नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट असेसमेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं मिस्टर वीपी शाह, हु इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर एट NIHH और हु इज़ वर्किंग फॉर लास्ट मेनी ईयर्स इन दिस फील्ड। और उनके साथ हमारे को जो इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे मिस्टर संजय कुमार, हु इज़ ऑल्सो फॉर लास्ट 15 ईयर्स इन दिस फील्ड एंड स्पीच एंड ऑडियोलॉजिस्ट इन दिस फील्ड। और ये कोऑर्डिनेटर हैं अपने इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन गाज़ियाबाद के। अब मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस बारे में जो भी उनके व्यूज़ हैं, जो भी आइडिया शेयर करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008-265-11613। हमारा फैक्स नंबर है 2651-11609। प्लीज़ डू कॉल अस एंड आस्क योर क्वेश्चंस फ्रॉम आर एक्सपर्ट्स। आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर। सर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेवलपमेंट असेसमेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। सर, एज वी ऑल नो कि स्पीच एंड लैंग्वेज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एवरीबडीज लाइफ, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या स्पेशल चाइल्ड है। हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट मीन्स है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बातें, अपने मैसेजेस एक्सप्रेस कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट एक प्रॉपर एज में हमारा डेवलपमेंट होते हैं, माइलस्टोन्स डेवलपमेंट होते हैं। तो जैसे जो भी आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेवलपमेंट असेसमेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो आप उसमें क्या बताना चाहेंगे कि हमारा नॉर्मल एज में नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होता है और प्रॉपर डेवलपमेंट हम किसे कह सकते हैं? जी, ये लैंग्वेज स्पीच, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ स्पेशल एजुकेटर के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये हमारे नॉर्मल एजुकेटर के लिए भी समझना ज़रूरी है और पेरेंट्स के लिए भी जानना ज़रूरी है। और इसका महत्व जीवन के हर पहलू पर है। जीवन में चाहे एजुकेशन प्राप्त करना है, चाहे इंटरटेनमेंट करना है, हर जगह हमें ज़रूरत पड़ेगा लैंग्वेज स्पीच को कैसे डेवलप, उसके इस्तेमाल करने का। तो हम लोग लैंग्वेज स्पीच को तीन भागों में बांटे हैं, डेवलपमेंट असेसमेंट एंड टीचिंग। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे और हम पहले थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज है क्या चीज़। कई लोगों में कन्फ्यूजन है स्पीच है क्या चीज़। तो लैंग्वेज सृष्टि के देखेंगे, सृष्टि के जैसे निर्माण शुरू हुआ है उससे जुटा हुआ चीज़ है। और मनुष्य की उत्पत्ति के बाद करीब करीब 2 लाख वर्ष लगा है इस लैंग्वेज स्पीच को आने में। तो इतनी आसानी से हमें इसको, कुछ हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं उसमें लैंग्वेज स्पीच का प्रॉब्लम होता है, तो इसको अधिक महत्व देने की ज़रूरत है कि जो चीज़ को उत्पन्न करने में मनुष्य की उत्पत्ति के बाद 2 लाख वर्ष लगा है, तो उसको अगर किसी में ना हो तो उसकी स्थिति जान सकते हैं। तो लैंग्वेज को हम डिफाइन करते हैं कि एक आर्बिट्री सिंबल्स है, जो सेट ऑफ आर्बिट्री सिंबल्स है। जो आर्बिट्री का यह मतलब होता है कि किसी भी शब्द का या सेंटेंस का जो सिंबल है, फोनेटिक सिंबल है, रिटन सिंबल है या साइन लैंग्वेज का सिंबल है, तो उसको किस कारण से वो सिंबल बना है ये हमें किसी को मालूम नहीं है। सृष्टि के निर्माण से वो सिंबल चलता आ रहा है। तो आर्बिट्री का मतलब हुआ कोई रीजन नहीं है। टेबल को क्यों टेबल बोला जाता है? अगर शुरू से खेबुल बोला जाता है टेबल को, तो आज हम खेबुल बोलते हैं। तो सेट आर्बिट्री सिंबल्स है एक्सेप्टेड बाई ग्रुप ऑफ पीपल, कि भाई हमारे समाज में जो लोग हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो वहाँ का समाज अलग है, यहाँ हिंदी का है तो हिंदी के समाज अलग है, उस सिंबल को एक्सेप्ट किया गया है। इसके बाद इसमें इस लैंग्वेज की मदद से हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, कंप्रेहेंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा
इसमें है कि एक रूल्स को फॉलो होता है और रूल बहुत जरूरी है, विदाउट रूल्स लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं रह जाएगा। वो है रूल, सिमेंटिक रूल, सिंटैक्टिक रूल और प्रैग्मेटिक रूल। तो ये जो चीज़ है सिमेंटिक, सिंटैक्टिक एंड प्रैग्मेटिक, तो सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, मीनिंग ऑफ, और उसको हम कंटेंट भी बोल सकते हैं। और सिंटैक्टिक का मतलब है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ने का हर भाषा में, हर लैंग्वेज में, हर एरिया में एक नियम है। तो उस नियम के स्टडी हम सिमेंटिक में करते हैं। और तीसरा है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स मतलब एक ही चीज़ को, अर्थ एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग सिचुएशन में, सोशल सिचुएशन में हम अलग अलग शब्दों को यूज करते हैं। जैसे हम किसी को हिंदी में तुम बोलते हैं और किसी को आप बोलते हैं, दोनों का मतलब एक है, लेकिन हम छोटे को जिसको हम जानते हैं तुम बोल सकते हैं और बड़े हैं आदर है उसको हम आप बोलते हैं। उसी तरह हमारा जो रिस्पेक्ट का, रिगार्ड्स का सिंबल्स हैं वो सब हमारे प्रैग्मेटिक्स में आता है। तो इस तरह से लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है। और एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज के बिना स्पीच का होना असंभव है, विदाउट लैंग्वेज स्पीच कैन नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए हमें लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और लैंग्वेज स्पीच तो एक माध्यम है, वो आपको जैसे हमने लिखा है कि ऑडिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग्वेज, एक कम्युनिकेशन करने का एकॉस्टिकल सिंबल्स। जब लैंग्वेज को एकॉस्टिकल साउंड वाला, ध्वनि वाला सिंबल जब हम यूज करते हैं और लैंग्वेज को हम या तो कंप्रेहेंशन में या एक्सप्रेशन में जब यूज करते हैं तब उसको माध्यम को हम स्पीच बोलते हैं। तो स्पीच भी हमारे खासकर हियरिंग इम्पेयर बच्चों में स्पीच का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें जानना चाहिए हमें स्पीच है क्या चीज़। तो स्पीच देखिएगा, ये वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है, तो वर्बल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, मतलब हम एकॉस्टिकल ऑडिबल जिसको सुन सकें हम। इसके अलावा देखिएगा इसमें मोटर एक्टिविटी कंसर्न होती है, जैसे हमारा लिप मूवमेंट हो रहा है, हमारा टंग का मूवमेंट है, तो मूवमेंट ये सीखे हैं बच्चे, जन्म से सीखे हैं हम लोग। और न्यूरो मोटर कोऑर्डिनेशन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो लिप की कितनी खुलनी है, कितनी बंद होनी है, और इस तरह कई स्पीच ऑर्गन्स है उसका ब्रेन से जो कंट्रोल होता है वो न्यूरो मोटर कोऑर्डिनेशन में आता है। और इसमें बहुत सारे मसल्स हैं, जैसे हमारे लैरिंग्स में मसल्स हैं, उसके साथ वॉइस प्रोडक्शन होता है, जी टंग में मसल्स हैं, तो ये बहुत सारे मसल्स हैं और मेंटल स्किल्स है ये इन्वॉल्व होता है इसमें स्पीच में। उसके अलावा इसमें मुख्य रूप से आर्टिकुलेशन, वॉइस एंड रिदम या सुप्रासेजमेंटल, ये सारी चीज़ें आती है और वो चीज़ें पैरामीटर है। तो हम बताते हैं ये जो स्पीच है, स्पीच के एक इसमें कई, जैसे मुख्य रूप से स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन को हम फोनीम भी बोल सकते हैं, मतलब स्पीच का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है फोनीम। अब फोनीम का मतलब हुआ स्वर एवं व्यंजन किसी भी भाषा में, आई भाषा में अलग अलग भाषा में ये अंतर करता है, तो ये इसकी नॉलेज होना चाहिए हमें। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ स्पीच तीन है, जिसमें वॉइस है, आर्टिकुलेशन है एंड रिदम है या प्रोसोडी है या सुप्रासेजमेंटल, सब चीज़ एक ही है। तो ये हम समझेंगे कि इसके भी विकास कैसे होता है, इसकी भी असेसमेंट कैसे करते हैं और इसको भी हम टीचिंग कैसे कर पाएंगे। उसके बाद एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल पीरियड का कंसेप्ट। कोई भी ऑर्गन हमारे शरीर में एक समय अवधि के अंतर्गत अगर उसमें उसको इस्तेमाल नहीं किया जाए, उसको व्यवहार में नहीं किया जाए, तो वो समय खत्म होने के बाद उसको इस्तेमाल करना कठिन हो जाएगा। तो लैंग्वेज के लिए भी हमारे पास क्रिटिकल पीरियड होते हैं, क्रिटिकल एज होते हैं, और उस क्रिटिकल एज में लाइक अप टू एज ऑफ 6 ईयर और 7 ईयर्स, अलग अलग स्टडीज हुए हैं, तो 6-7 ईयर्स तक अगर बच्चे में डेवलपमेंट करना होता है लैंग्वेज को हम कर दिए, तो बाद में चल के बच्चे को कठिनाई नहीं होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट करने में। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको 6-7 ईयर्स तक उसको लैंग्वेज का कोई स्टिमुलेशन नहीं दिए, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिए सीखने का, तो बाद में चल के
उस बच्चे में सब चीज़ नॉर्मल होते हुए बाद में कठिनाई हो जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज का एरिया था ब्रेन में, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल फाउंडेशन लैंग्वेज कहते हैं, तो वो उसको इस्तेमाल नहीं हुआ 7 साल तक। अब पीरियड जो क्रिटिकल पीरियड है वो ख़त्म हो गया, तो बाद में हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। उसी तरह सिर्फ ये बायोलॉजिकल से नहीं होगा, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज मतलब इन्वायरमेंटल, कि सब चीज़ ठीक है ब्रेन में, सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन ठीक है, लेकिन स्टिमुलेशन चाहिए एनवायरनमेंट में। यही साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है कि एक बच्चा अगर दिल्ली में जन्म लेता है तो हिंदी सीखता है, अगर इंग्लैंड में जन्म लेता है ब्रेन वही है, वही एरिया है दोनों बच्चों का, और वो इंग्लिश सीखता है, कलकत्ता में जन्म लेने से वो बांग्ला सीखता है, उड़ीसा में जन्म लेने से उड़िया सीखता है, क्योंकि ब्रेन बायोलॉजिकली एक था लेकिन साइकोलॉजिकली इन्वायरमेंटली वो स्टिमुलेशन मिला जिस लैंग्वेज से उसमें वो सीखता है। इसी तरह अलग अलग एनिमल्स में भी स्टडी किए गए हैं क्रिटिकल पीरियड के, और पाया गया है अलग अलग चीज़ें। सर, जैसे आपने यहाँ क्रिटिकल पीरियड के बारे में बताया, तो क्रिटिकल पीरियड का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल पीरियड होता है बच्चे का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम हम कर सकते हैं। जी, तो आपने बताया उसमें एनवायरमेंट भी अफेक्ट करता है, तो जैसे हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं नेचर एंड नर्चर। जी, तो सर नेचर एंड नर्चर का आप डिफरेंस बताएंगे कि ये दो फैक्टर्स इनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्रिटिकल टाइम पीरियड में कैसे अफेक्ट करते हैं। अब ये है जो हम हालांकि इसमें डिस्कस करेंगे, हमने लिखा है प्री रिक्वायजिट्स फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो उसमें आपको कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने कई स्किल्स को बताया हूँ कि जैसे ऑरिटरी स्किल्स है, ये हुआ बायोलॉजिकल या नेचर में। उसके बाद न्यूरोमोटर मैच्यूरेशन अगर नहीं होगा किसी का, जैसे किसी को मान लो कि ये आपका टंग है पैरालिसिस हो गया, तो ये या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये उसका मूवमेंट नहीं ठीक ढंग से काम कर रहा है, तो स्पीच में लैंग्वेज में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। उसी तरह फिजिकल एंड इमोशनल स्किल्स, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का, सिर्फ हम लोग क्या क्या जोड़ते हैं मेंटली रिटायर में, खासकर बच्चे और भी कई कैटेगरी के बच्चे हैं, सीपी बच्चे हैं, जिसमें पेरेंट्स लोग ज़्यादा जोर देते हैं मेरे बच्चे को बोलना सिखाइए, मेरे बच्चे को लैंग्वेज सिखा दीजिए, लेकिन अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए हम लोग आईक्यू, जैसे मैं बता रहा हूँ मेंटली टायर्ड बच्चों में आईक्यू निकालते हैं, मतलब मेंटल एज निकालते हैं, मेंटल एज से ज़्यादा कभी भी लैंग्वेज एज नहीं होगा। तो इसीलिए हमको ऑलवेज जब प्लानिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे, तो हमें मेंटल एज कॉग्निटिव एज को ऑलवेज साथ में लेना चाहिए, और जो गैप है लैंग्वेज एज एंड मेंटल एज में उसको दूर कर सकते हैं हम, उसको पास में ला सकते हैं थ्रो स्टिमुलेशन। उसी तरह हमारा वोकल ट्रैक्ट है, मान लो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया, कॉग्निटिव मैच्यूरेशन बताया मैंने, और उसके बाद स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि दोनों पेरेंट्स वो वर्किंग है और एक सर्वेंट घर में काम कर रहा है, बच्चा है, तो बच्चे को अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, तो बच्चा का लैंग्वेज स्पीच डेवलपमेंट मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह हियरिंग इम्पेयर बच्चा है मान लीजिए, और हियरिंग एड लगाने के बाद भी उसको एक प्रॉपर स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग आजकल इंटीग्रेटेड स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन, वन ऑफ द रीजन कि बच्चे इंक्लूसिव सेटअप में नॉर्मल बच्चों के साथ उनको अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन मिलेगा किसी चीज़ का, लैंग्वेज एंड स्पीच का मॉडल मिलेगा, तो डेवलपमेंट फास्टर होगा। सर, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे घर का एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो अगर बेसिकली हम आज की जनरल लाइफ के बारे में लें, तो उसमें होता है कि जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, फादर भी वर्किंग है और मदर भी वर्किंग है, और बच्चा अभी छोटा है, क्रिटिकल टाइम पीरियड में ही है, तो वहाँ पे वो बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्योंकि उसको स्टिमुलेशन प्रॉपर, जो उसका घर का एनवायरनमेंट है वो इतना उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है, और उसको प्रॉपर स्टिमुलेशन उसके डेवलपमेंट में नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है बच्चे के डेवलपमेंट में रोकथाम के लिए? जी, अगर बट वन ऑफ द रीजन ऑफ डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज इज लैक ऑफ स्टिमुलेशन, अब बहुत बड़ी फैक्टर है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स इसको नहीं जानते हैं, उनको जानना भी चाहिए या टीचर को भी जानना चाहिए,
जो भी डिसेबल बच्चे हैं, जैसे मेंटली रिटार्डेड, वो चूंकि मेंटली रिटार्डेड है तो उसको अपॉर्चुनिटी सोचता है, वो समझेगा नहीं और उसको उससे बात भी नहीं करते हैं, लो लैंग्वेज के स्टिमुलेशन नहीं देते हैं। तो देखिए एडिशनल एक प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या लैक ऑफ स्टिमुलेशन, मेंटल रिटार्डेशन है। उसी तरह हियरिंग इम्पेयर है, हियरिंग इम्पेयर बच्चा है तो उसको ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, नॉर्मल से ज़्यादा चाहिए, और उसमें अरे सुनेगा नहीं, हम बोल कम बोलते हैं या शॉर्टकट में बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए हम लैक ऑफ स्टिमुलेशन को कम कर दें, बल्कि स्टिमुलेशन तो हमको अन्य नॉर्मल बच्चों से इन बच्चों में ज़्यादा देना है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैडम ने बताया कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट कई होते हैं और उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट जानना, हम क्यों जानना है हमें, मैं मुख्य रूप से तीन बता देता हूँ बात। एक तो है कि नॉर्मल बच्चे का डेवलपमेंट जिस स्टेजेज में होता है हम जानेंगे, तो दूसरे बच्चे का, किसी भी बच्चे का उस डेवलपमेंट से थोड़ा सा भी डेविएशन आए तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज दैट मे बी ड्यू टू मेनी रीजन, हियरिंग लॉस, मेंटल रिटार्डेशन, एनी रीजन, तो इमीडिएटली पहचान करेंगे हम अगर डेवलपमेंटल शेड्यूल जान। स्पीच एंड लैंग्वेज टीचिंग के प्लानिंग करेंगे तो हमें जानना, एक बेस लाइन निकालते हैं हम लोग, तो बेस लाइन कैसे मालूम होगा बच्चे का लैंग्वेज स्पीच का इज कैसे मालूम होगा, जब तक हम नॉर्मल शेड्यूल नहीं जानेंगे, नॉर्मल स्टेज नहीं जानेंगे, तो अपने बच्चे को उससे कैसे कंपेयर करेंगे। तो एक हमें एक मिलेगा कि टीचिंग मेथड, इसमें एक डेवलपमेंटल टीचिंग मेथड है जिसमें हम जिस स्टेज से नॉर्मल बच्चा का डेवलपमेंट होता है उसी स्टेज से हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो या हियरिंग इम्पेयर बच्चा हो या सीपी बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, उनको भी उसी स्टेज से लेकर चलना है। तो ये जानना जरूरी है हमें डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द लैंग्वेज एंड स्पीच अर्ली आइडेंटिफिकेशन में और इन द प्लानिंग ऑफ द स्पीच एंड लैंग्वेज में हमें मदद मिलेगा। तो ये हम लोग वन बाई वन देखेंगे। हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एट द एज ऑफ वन ईयर स्टार्ट होता है, लेकिन जन्म से लेकर एक साल तक बच्चा मीनिंग नहीं जानता है बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि उसकी कॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है मीनिंग समझने का। लेकिन एक से दो साल के बीच, मैंने जीरो से लेकर एक साल तक, जो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करता है वो उसको जरूरी है करना, फाउंडेशन बना रहा है बच्चा, प्रैक्टिस कर रहा है, हम लोग सब डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस कर रहा है, वो यदि स्टेजेस से ना गुजरे तो एकदम सडनली एट द एज ऑफ वन ईयर बाबा दो मम्मी आओ ये सब नहीं बोलेगा वो, तो उसको प्री स्पीच स्टेज हमने बोल रहे हैं कि प्री स्पीच स्टेज है जीरो से लेकर एक साल तक, एक साल के बाद लिंग्विस्टिक स्टेज है। तो ये हमने प्री स्पीच स्टेज में ऐसा रिसर्च पाया गया है कि कुछ ऐसा रिपोर्ट है कि बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ही वोकलाइजेज, या किस तरह का साउंड निकलता है बच्चा, तो ऐसा पाया गया है कि वोकल ऑर्गन वो इस्तेमाल कर रहा है, इसको टेस्ट किया गया है मदर के माइक्रोफोन, जब मदर प्रेग्नेंट होती है जस्ट एक महीना बिफोर डिलीवरी, इट हैज बीन रिकॉर्डेड द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन द यूट्रस बाय द बेबी। तो ये है। दूसरी चीज है कि सून आफ्टर बर्थ क्या होता है कि ये एक साउंड बच्चा निकालता है और उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव अटरेंस। रिफ्लेक्सिव अटरेंस का मतलब हुआ कि इट हैज टू हैपन, चाहे किसी भी बच्चा में, अगर किसी बच्चे में किसी तरह से समस्या है तब ये नहीं होगा, रिफ्लेक्स है ये। उसमें हम दो चीज बोलेंगे, बर्थ कराई एंड आपको ये बर्थ कराई एंड ये डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, कंफर्ट साउंड्स या और भी साउंड हैं। तो बर्थ कराई जो है इट इज सून आफ्टर बर्थ, और रीजन है बर्थ कराई में तो बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि अगर कुछ बच्चों में, जिन बच्चों में जैसे डेप बच्चे हैं, मेंटली टैलेंट बच्चे हैं, क्ले पायलट के बच्चे हैं, बर्थ कराई का वो आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया और एनालाइज किया गया तो पाया गया
डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्पीच प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम में उसका इस्तेमाल किया गया बेस्ड ऑन द एकॉस्टिकल एनालिसिस ऑफ द बर्थ कराई। तो बर्थ कराई एक्चुअली बच्चे को इन्वायरमेंट में आता है, नए इन्वायरमेंट में पेन होता है और वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो लिक्विड भरी रहती है वो क्लियर होती है, लंग्स खुलता है, लंग्स स्टार्ट होता है फंक्शनिंग। तो बर्थ क्राई इज इम्पॉर्टेंट। सर जैसे आपने यहाँ एक फैक्टर बताया बर्थ क्राई, तो बर्थ क्राई में अगर हम देखें तो जैसे भी जितने भी मेडिकल सेंटर्स या हॉस्पिटल्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसमें ये फैक्टर ज़रूर पूछा जाता है कि बर्थ क्राई इज़ प्रेजेंट और एब्सेंट और इट वॉज डिलेड। तो अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि बर्थ क्राई कुछ फ्यू सेकेंड्स या मान लीजिए 5 सेकेंड्स डिलेड है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इस बात का क्या मतलब निकल सकता है? हाँ, अगर बर्थ क्राई मान लीजिए डिले हो गया, डिले होने से जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसमें भी फंक्शनिंग में डिले हो जाता है, जिसके वजह से उसकी जो ऑक्सीजन थ्रू ब्लड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड पर्टिकुलरली हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन में जो कोकलिया हमारी है इनर ईयर, वहाँ इमीडिएट ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए थ्रू ब्लड, और डिले होने से जो हेयर सेल्स इन द कोक्लिया दैट इज डैमेज्ड, इसीलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन हम बोलते हैं। द लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ ड्यू टू डिले बर्थ कराई डैमेजेज द कोक्लिया, डैमेजेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इवन सीपी बच्चों में से एमआर बच्चों में और हियरिंग इम्पेयर बच्चों में ये इम्पोर्टेंट, जैसा कि आपने बताया हॉस्पिटल में या रिहैबिलिटेशन सेंटर में या स्कूल में हम लोगों का केस हिस्ट्री जो लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है बर्थ कराई के बारे में जानना। तो इससे जानने से हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि दिस इज द रीजन बाई विच चाइल्ड इज सफरिंग, और हियरिंग लॉस कन्फर्म हो जाएगा या मेंटल डिटेरियरेशन कन्फर्म हो जाएगा कि ये हुआ है ठीक उसी कारण से, मतलब कॉजेज ऑफ दैट डिजेबिलिटी वी कैन नो। सर जैसे आप भी इस फील्ड में काफ़ी सालों से हैं और आपको काफ़ी केसेस देख के एक्सपीरियंस हुआ होगा, और आपका जैसे अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो आपने कोई ऐसे केसेस देखे या कोई ऐसा एग्जांपल देके बताना चाहेंगे कि जहाँ पे आपने देखा पर्टिकुलरली ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे कॉजेज जो प्रीडोमिनेंट करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम में? हाँ, इसमें एक्चुअली मैंने बहुत सारे सीपी बच्चे एमआर बच्चे देखा हूँ, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि कौन कौन से काउज हैं जो इसको इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज होता है। जैसा कि सर ने बताया और आपने बताया कि डिलेड बर्थ क्राई मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसमें अगर कोई भी बच्चा को अगर डिलेड बर्थ क्राई हुआ है, अगर जन्म लेने के समय 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट अगर लेट रोया है, तो बच्चा में 90% चांसेज होते हैं कि वो बच्चे में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा, कि जैसा सर ने बताया सीपी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है। और इसके एक तो ये कारण है, और जिसके कारण वो अगर कहीं हॉस्पिटल या और अन्य प्लेसेज में जाता है तो ये कारण पूछा जाता है। इसके साथ साथ और बहुत सारे कारण हैं कि जो सपोज दैट अगर वो प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल, ये सब भी कारण हैं कि जिसके कारण कि ये जो सारा जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है जिसके कारण डिलेड होता है। फिर एक कारण है इन्वायरमेंटल जो कारण है, जो कि स्पेशल बच्चे को भी देख सकते हैं और एक नॉर्मल बच्चे को भी देख सकते हैं। तो नॉर्मल बच्चे में भी होता है कि जो जो बच्चे एक साथ पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो बच्चे जिनके पेरेंट्स सिर्फ सिंगल हैं, न्यूक्लियर फैमिली हैं, तो उनका लैंग्वेज और डेवलपमेंट वो बहुत कम होता है। इसलिए होता है कम कि उस चीज़ से इन्वायरमेंट से अवेयर नहीं है। जैसे कोई बच्चा अगर बस देखा ही नहीं, बाहर गया ही नहीं, अगर तो वो बस के बारे में उसको कैसे पता हुआ है, एक वोकैबुलरी उसको कैसे पता होगा। अगर पार्क को गया ही नहीं तो पार्क में झूला है उसको तो पता नहीं होगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, और उसमें है कि सारे मतलब हमारे सिबलिंग्स, मदर फादर और जो सोसाइटी, सबको इन्वॉल्व होकर अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो इन बच्चे के साथ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। और मोस्टली बच्चे, मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट 15 ईयर का,
जो बच्चे आते हैं, एक तो मेडिकल कॉलेज होते ही हैं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इन्वायरमेंटल कॉलेज और सेकेंडरी उसको डिले डेवलपमेंट होने में, नॉर्मल स्पीच एंड डेवलपमेंट को माइलस्टोन को अचीव करने में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो सारे बच्चे ये नहीं कर सकता। पेरेंट्स पहले सोचते हैं इसको ये इस तरीके से रखना है, वो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं करना है, जिसके कारण जो बच्चे अचीव भी कर सकते हैं वो पीछे हो जाते हैं। सर, इसका मतलब कि स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं कि बच्चे में अगर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें इस तरीके से पता चलेगा कि जैसे हमें पता है कि नॉर्मल माइलस्टोन्स किस एज पे पर्टिकुलर डेवलपमेंट होती है, कि अगर मान लीजिए 1 ईयर में बच्चा फर्स्ट वर्ड अचीव करता है विद मीनिंग, मीनिंगफुल वर्ड अचीव करता है, और दूसरा बच्चा उसको नहीं अचीव कर रहा है, तो दैट मीन्स देर इज सम डेविएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि शायद बच्चे में कुछ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आगे फर्दर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा मेडिकल कॉज ही हो। मेडिकल के साथ साथ जैसे बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कॉजेस, सोशल कॉजेस, सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, बाहर एक्सपोजर कैसे मिल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, फैमिली में उसका रिलेशनशिप कैसा है, फैमिली में उसको स्टिमुलेशन कैसा मिल रहा है, तो इस तरह बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जो स्पीच एंड लैंग्वेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए डिपेंड करते हैं उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि स्पीच एंड लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्रेस आर आइडियाज, फीलिंग्स, व्यूज इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड कन्वे आर मैसेजेस। सर, जैसे अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि स्पीच एंड लैंग्वेज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो कि ओकेजनली हम लोग कन्फ्यूज कर देते हैं, और अलग अलग टर्म्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपने बताया कि जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज के कॉम्पोनेंट्स जो हम देखते हैं, प्रेगमेटिक्स होते हैं, जिनको हम सोशल यूसेज भी कह सकते हैं दूसरे टर्म में, कि हम अगर बाहर जा रहे हैं सोशल सिचुएशंस में, तो हम अलग अलग टर्म्स यूज़ करके, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके हम कैसे अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम अपनी कन्वर्सेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं उस बात में। और आपने बताया कि डिफरेंट मीनिंग्स, कंटेंट, फॉर्म एंड यूज़, जैसे सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज के। और उसके बाद हमने देखा कि स्पीच विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, विदाउट इट लैंग्वेज का कोई मीनिंग नहीं बनता, दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, बच्चा वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को अटेन करता है, पर ये भी फाइंडिंग्स में पाया गया है कि बच्चा वूम में जब होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, तो वूम में ही वो वोकलाइज करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब बच्चे को पहले से ही, डिलीवरी होने से पहले से ही बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करता है। जी, और उसके बाद हम लोग को जानना थोड़ा ज़रूरी है कि क्राइंग की करेक्टरिस्टिक कैसे होती है। जैसे ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ देखेंगे आप, क्राइंग विम्परिंग से ज़्यादा होती है, और विम्परिंग कंफर्ट साउंड से ज़्यादा होती है। मैं कंफर्ट साउंड के बारे में बता देता हूँ कि ये साउंड हैं जो आफ्टर द चाइल्ड गेट्स रिलैक्स, लाइक खाना, भूख लगा है, खाना खा लिया या स्नान कराया गया, मम्मी ने कराया, और जब रिलैक्स फील करता है तो वन काइंड ऑफ साउंड अपने मुंह से निकालता है, उसको हम बोलते हैं कंफर्ट साउंड। तो इसमें वॉवल्स, कॉन्सोनेंट किस टाइप के होते हैं, रियली ये वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट रियल वॉवल्स नहीं है, लेकिन ये जो उस साउंड निकलती है उसकी एनालाइज किया गया, पाया गया कि आ ए आई इस तरह का कुछ वॉयस निकलते हैं, ग ग ग ग इस तरह करके करके बच्चा क ग द ऑल दिस थिंग विद नेजलाइजेशन ये निकलता है। लेकिन दूसरे महीने में जैसे ही जाता है बच्चा, वो ये नेजलाइजेशन जो है वो कम होती है। उसके अलावा ये जो क्राइंग का है, क्राइंग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे हंगर है, वो उसको पेन हो रहा है, अपने रिदम को चेंज करके, क्राइंग के रिदम को, क्राइंग के इंटोनेशन में बदल कर, उसके पिच में चेंज करके अब मीनिंग को कन्वे करता है। मतलब कि बच्चा क्राइंग को यूज करके कम्युनिकेट कर लेता है अच्छी तरह अपने जो मम्मी से, पापा से या सब लोगों से। सर, जैसे आप बता रहे हैं क्राइंग के बारे में, तो हमने देखा कि क्राइंग के थ्रू बच्चा किस तरीके से एक्सप्रेस करता है,
तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट के साथ. वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Our vision at the Rehabilitation Council of India is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. Welcome back to our discussion. We were discussing about the development, assessment and methods of teaching for speech and language development in a child. और ब्रेक में जाने से पहले हमने देखा था कि हमारे एक्सपर्ट ने स्पीच लैंग्वेज के बारे में, उनके कॉम्पोनेंट्स के बारे में, और हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि इनिशियली बच्चा किस तरीके से अपनी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और किस तरह से वोकलाइज और क्राइंग के थ्रू अपनी बात शेयर करता है और अपने आप को कन्विंस करवाता है. तो जैसा कि हमने ब्रेक के पहले वॉवेल, तो विद द नेजलाइजेशन फर्स्ट मंथ में, विदाउट नेजलाइजेशन, डिफरेंट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, उसी तरह कंफर्ट साउंड में बच्चा जो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स निकालता है, जैसे फ्रंट वॉवेल्स विदाउट नेजलाइजेशन एंड ये आपका कॉन्सोनेंट में बैक कॉन्सोनेंट विदाउट नेजलाइजेशन, ये इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. और ये जो बच्चा द चाइल्ड इंजॉयज विथ हिज हर ओन वॉइस इन प्लेजरेबल सेंसेशन, वो जब से बताया ना मैंने, रिलीफ होता है उसको, तो वो इंजॉय करता है बच्चा इस तरह के ध्वनियों को निकाल कर अपने डेवलपमेंट में. तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब स्टेज वन जो है, इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, ही प्रैक्टिसेस एसेंशियल मोटर कोऑर्डिनेशन, जो एक उसके बाद में हम देखेंगे कि कान, माउथ, ईयर माउथ एंड ब्रेन, तीनों के बीच में वो एक एक लूप स्टेबलाइज करना चाहता है, वो थ्रू फीडबैक सिस्टम. इसीलिए जो हम टीचिंग उधर देखेंगे, हम तो टीचिंग में कई तरह के फीडबैक हम बच्चों को देते हैं, ऑडिटरी फीडबैक, विजुअल फीडबैक, आपको टेक्टाइल फीडबैक. तो ये नॉर्मल बच्चों में भी हुआ है, ये नहीं कि इमीडिएट हो गया है, ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप दिस फीडबैक सिस्टम. तो ये आपको एस्टेब्लिश प्रिमिटिव कम्युनिकेशन लिंक विद द पेरेंट्स एंड बिल्ड द फाउंडेशन फॉर द ट्रू स्पीच. जो हम शुरू में बोले थे कि ट्रू स्पीच के लिए ये सारी चीज वो तैयारी कर रहा है बच्चा, अगर ये तैयारी ना करे. अब बहुत सारे देखिएगा, हम देखेंगे कि बाइबलिंग के बाद बच्चे में बहुत सारी चीजें कमी हो जाती है, तो बच्चा तो तैयार नहीं किया, इसीलिए बाद में चल के उसकी लैंग्वेज स्पीच डिले हो जाएगी. उसके बाद दूसरा स्टेज है हम लोगों का वोकल प्ले, ये अराउंड 12 वीक्स टू 30 वीक्स
में निकलता है। और एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा मैं कि एक स्टेज को शुरू होने पर दूसरा स्टेज को शुरू होने पर पहला स्टेज खत्म नहीं हो जाता है, पहला स्टेज की भी चालू रहता है। तो इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेज का डेवलपमेंट है, ओवरलैपिंग है। तो ये हमें ध्यान बंद नहीं करना है। बहुत सारे पेरेंट्स वरीड हो जाएंगे कि बच्चा अभी भी रो रहा है, दो महीना का हो गया, नहीं रोएगा, उसकी मात्रा कम होगी, उसकी अमाउंट कम होगा। तो वोकल प्ले में वो क्या करता है बच्चा, ही प्लेज विद द वोकल ऑर्गन्स लाइक टंग, लिप्स, लैरिंग्स, ही इज प्लेइंग एंड प्रोड्यूसिंग डिफरेंट, ही डूइंग एक्सरसाइज। वोकलाइज मोर व्हेन अलोन, जब अकेले रहता है तो बच्चा ज्यादा करता है, जब ही कोई आ गया उसका अटेंशन डाइवर्ट किया, बंद हो जाता है वो वोकल प्ले करना। तो ये वोकल प्ले ये बहुत ही जरूरी है। और ये तीसरा स्टेज है हमारा बाइबलिंग, जिसमें बाइबलिंग क्या है, चेनिंग एंड लिंकिंग ऑफ साउंड टुगेदर ऑन वन एक्सहेलेशन, एक ही सांस में बच्चा बाबा 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 वन वन ब्रीथ जो प्रोड्यूस करता है उसको हम बाइबलिंग कहते हैं। और ये यूनिवर्सल फेनोमेना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हियरिंग लॉस, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑल चिल्ड्रन डू द सेम बाइबलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए इस स्टेज के बाद हियरिंग इम्पेयर बच्चा है तो उसका देखेंगे हम कि उसका वो खत्म होने लगता है, वो बंद कर देता है। लेकिन अप टू बाइबलिंग आइडेंटिफिकेशन करना भी मुश्किल हो जाता है कि बच्चा डेप है या नॉर्मल है बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल शेड्यूल। तो बाइबलिंग के बाद वाला जो स्टेज है अगर डेप में नहीं हो रहा है तो अगर डाउट करना है हमें कि बच्चे में किस तरह का समस्या है, तो ये इसमें बाइबलिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबल्स निकलता है बच्चा, जैसे कंसोनेंट वर्ड पा, वॉवल कंसोनेंट अप एंड अपा, दिस इज द वॉवल कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट वॉवल। तो कंसोनेंट वॉवल एंड वॉवल कंसोनेंट वॉवल इज मोर देन वॉवल कंसोनेंट सिलेबल, लाइक दिस वॉवल कंसोनेंट सिलेबल इज मोर देन वॉवल कंसोनेंट वॉवल सिलेबल। यहाँ पर जो नो सिमेंटिक मीनिंग बट सिमिलर टू ए स्टैंडर्ड फोनीम, यहाँ पर जो भी साउंड निकल रहा है उसका लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन एडल्ट जैसा साउंड निकालता है, ये कहने का मतलब है। इसीलिए हमें कंफ्यूज, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो बोलता है जी, ये साउंड निकालता है जी, एक साल के पहले निकाल रहा था, दैट वाज द मीनिंगलेस, दैट वाज द प्रैक्टिस, ही वाज डूइंग द फाउंडेशन। इसीलिए इस चीज को, अच्छा पेरेंट्स को भी या टीचर को भी ये चीज समझना पड़ेगा कि ये एज क्या है बच्चे का। और इंटोनेशनल पैटर्न्स ऑफ कमांड, डिक्लेरेशन, क्वेश्चन विथ चेंजिंग पिच एंड स्ट्रेस, ये बाइबलिंग में जो पिच को चेंज करके, स्ट्रेस को चेंज करके, वो अपना अलग अलग सेंटेंस को, वो अलग अलग माने चीजों को वो एक्सप्रेस कर सकता है, लाइक कमांड करना चाहता है, डिक्लेरेशन, क्वेश्चन पूछना चाहता है। बिकॉज धीरे धीरे एज बढ़ रहा है उसका, तो थोड़ा थोड़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाती है। उसी तरह स्टेज फोर में हम जिसको बोलते हैं सोशलाइज्ड बाइबलिंग, ये ज्यादातर हमारा यूजेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट टू गेट अटेंशन, टू सपोर्ट, टू फॉर रिजेक्शन, टू एक्सप्रेस डिमांड्स। तो ये जब सोशल, धीरे धीरे समाज में लोगों से ज्यादा लोगों से बढ़ने लगते हैं और बाइबलिंग को यूज करने लगता है, उसी तरह ये डबलिंग ऑफ साउंड जो बाबा 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 कर रहा था उसको धीरे धीरे वो कम करता है, क्योंकि बाद में चल के उसको मामा बोलना है मम्मी के लिए, तो पहले मामा 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 कंटिन्यूसली बोलता था, और वो मामा 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 का ड्यूरेशन को, रिपीटेशन को स्लोली इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो ये हमारा इसमें जो साउंड निकलता है खासकर वो फ्रंट एंड मिडिल जो वॉवल्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, एंड बैक कंसोनेंट भी वो उसके साथ पहले जो निकाल रहा था उसमें क ग ग जो था उसमें एडिशन होता है, ड ट न ल, लाइक दिस ही इज एडिंग स्लोली, ही इज एडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वॉवल्स एंड कंसोनेंट, बिकॉज ही इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज। देन हमारा है स्टेज फाइव, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्टेड वोकल प्ले, 8 मंथ से 18 मंथ तक ये होता है। और ये इंटोनेशनल, ही इंटोनेशन चेंजेज, इंटोनेशनल चेंज जो है प्रोमिनेंट हो जाता है, अपने पिच को चेंज करके मीनिंग को ज्यादा कन्वे करने लगता है। इन्फ्लेक्शन ऑफ साउंड फॉर क्वेश्चन, कमांड, सरप्राइज, स्टेटमेंट और फैक्ट, तो ये सारी चीजें वो समझाने लगता है अपने स्पीच साउंड के बदौलत, उसको चेंज करके। उसके अलावा रिपीटेशन ऑफ साउंड जो था
रिपीटेड ऑफ साउंड वो इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ वोवेल कंसोनेंट इंक्रीज होते हैं, और ये यहाँ पर इस एज में मतलब समझने लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो, नो का अर्थ समझता है। और यहाँ पर वो एक सोशल रिइंफोर्समेंट, सोशल रिइंफोर्समेंट है, जैसे हमारा स्माइल है, गेस्चर है, टच है, स्पोकन वर्ड्स है, ये उसके वोकल बिहेवियर जो कितना होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर सामाजिक, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, उसको रिइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो जो वोकल प्ले की जो साउंड है वो उसमें धीरे धीरे कम होने लगेगी, सब चीज नॉर्मल होते हुए भी। आई नॉर्मल बच्चों में लैक ऑफ स्टिमुलेशन वो कहाँ मिलता है दिन भर ही आपको, ये सोशल रिइंफोर्समेंट जिसके वजह से वो अफेक्ट यहीं से होने लगता है बच्चे में। इसके बाद हमारा है ट्रू स्पीच शुरू होता है इस एज में, जो एट द एज ऑफ 1 ईयर एवरेज होता है, अदरवाइज 9 to 1 month ये हम वेट कर सकते हैं, एट द एज ऑफ 1 ईयर शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर जो शब्दों का भंडार होगा वोकैबुलरी, अराउंड 10 words होता है 15 महीने के बच्चे का, 10 words। सर इसका मतलब जैसे हम स्पीच डेवलपमेंट, अब जो शुरुआत होता है बच्चे में वो फर्स्ट वर्ड से होता है जी, और अगर हम प्री स्पीच डेवलपमेंट के स्टेज की बात करें जिसमें आपने डिफरेंट सब स्टेजेस में एक्सप्लेन किया, उसमें बेसिकली बच्चा पहले वोकलाइज करता है, जैसे वूम में भी वोकलाइज करता है, और उसके बाद जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद कुछ मंथ्स का बेबी होता है तो वो विद क्राइंग के थ्रू अपना हंगर पेन वो सब एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, और वही उसका एक मेथड होता है अपनी बात को कन्वे करने का। फिर धीरे धीरे बच्चा जो है बैबलिंग पे आता है, बैबलिंग जिसे आपने बताया रिपीटेड साउंड्स इन सिंगल ब्रेथ, तो बाबा बाबा बा इस तरह का स्पीच, ये सारी बातें हम प्री स्पीच डेवलपमेंट में लेते हैं। और आगे अगर हम स्पीच डेवलपमेंट में बढ़ते हैं तो हम फर्स्ट वर्ड पे आते हैं जी, और ये स्पीच इसलिए बोल रहा हूँ, पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे कि स्पीच कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लैंग्वेज, तो यहाँ मीनिंग ऑफ जो भी बच्चा बोलेगा शब्द या जो भी चीज वो इस्तेमाल करेगा ये मीनिंगफुल कंटेक्ट, ये ट्रू स्पीच होता है। अर्लियर इट वॉज सूडो स्पीच था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये हमारा लैंग्वेज ओरिएंटेड यहाँ से शुरू हो जाएगा और मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में शुरू। इसीलिए अगर 1 साल के बच्चा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसको लैंग्वेज पर तो स्टिमुलेशन मिलता है, लेकिन जो एक्टिविटी बच्चा ने किया ड्यूरिंग दिस पीरियड तो उस पर हम वोकल प्ले, बैबलिंग, वो सारी एक्सरसाइज हम कराते हैं। लाइक कोक्लियर इम्प्लांट कुछ बच्चे 6 महीना का हुआ है या 6 महीना पर आइडेंटिफाई कर लिए और हियरिंग एड लगा दिए, तो जल्दी जल्दी ये नहीं कि हम शब्दों का मीनिंग समझाने लगे, उसकी प्री स्पीच वाला जो एक्टिविटी थी वही एक्टिविटी उन बच्चों के साथ करना है, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो चाहे कोई भी बच्चा हो, तो बहुत ईजी हो जाता है यदि ये सारी चीज़ें हम लोग समझ कर रखें। इसकी मेन फिलोसफी क्या है, रैशनल क्या है, तो हमारे टीचिंग में बहुत मदद मिल जाएगा। सर जैसे आपके यहाँ भी काफी केसेस आते होंगे स्पीच के, तो जैसे अगर उसमें हम देखें बच्चा मान लीजिए 3 या 4 years का है, वो क्रिटिकल टाइम पीरियड में ही चल रहा है और बच्चे का डेवलपमेंट मैक्सिमम उसी टाइम पीरियड में होता है। अगर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, जो कि कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं, कि बच्चे ने अभी तक कुछ भी बोलना शुरू नहीं किया, सिर्फ क्राइंग है, मतलब सिर्फ रोता है, कुछ भी नहीं करता है, कोई बैबलिंग नहीं है, कोई फर्स्ट वर्ड नहीं है, तो उसमें हम शुरुआती तौर पे हम बच्चे को किस चीज के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं पेरेंट्स को, और थेरेपी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे एडवाइस करेंगे? इसमें मैडम आपने पूछा कि मतलब अगर 3 साल का 4 साल का बच्चा है, सिर्फ वो रोता है, क्राइंग करता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, यानी कुछ भी नहीं बोलने से मतलब मेरा है कि वो कम्युनिकेट कुछ नहीं कर रहा है, अपने नीड को नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, अगर उसमें को पेट में दर्द है या पानी पीना चाह रहा है तो मम्मी से नहीं बोल रहा है कि मम्मी पानी दो, तो उसके लिए सबसे पहले हम तो जैसा कि सर ने बताया नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंटल शेड्यूल के द्वारा हम देखेंगे कि बच्चा का रियल एज कितना है, यानी स्पीच एंड लैंग्वेज का मेंटल एज क्या है। मेंटल एज अगर 4 साल का है, अगर असिसमेंट किया, आपने पहले बता दिया कि अगर सिर्फ रो रहा है लेकिन रोने से नहीं होगा, वहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंशियल क्राई कर रहा है या वोकल प्ले कर रहा है या इकुलेलिया है या जार्गन है, किस स्टेज में है। अगर फाइंड आउट हो गया कि बच्चा इस स्टेज में है, डिफरेंशियल क्राई सिर्फ कर रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को
हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जस्ट ईयरली इंटरवेंशन प्रोग्राम, ईयरली इंटरवेंशन प्रोग्राम में स्पीच थेरेपी का जो प्रोग्राम होगा, टेक्निकल प्रोग्राम होगा, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चा मेरे पास स्पीच थेरेपिस्ट या स्कूल में या मेरे सेंटर में आया तो वो बस 3-4 घंटा के लिए आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स के साथ रहता है, घर में रहता है, तो उनको एक ऐसा स्ट्रक्चरल प्रोग्राम देंगे जिसे, क्योंकि वो रो रहा है बच्चा सिर्फ, अब उसको क्या करना है, यानी कि मैं 4 साल का बच्चा है तो टेबल पर बिठा करके पापा पापा बाबा बाबा मामा 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 ये नहीं कराना है उस बच्चे को, क्यों, क्योंकि वो प्ले ग्रुप का बच्चा है, तो उसको हम लोग खेल खेल के माध्यम से उसका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप करेंगे। सपोज दैट उसके को बच्चे को पापा बुलवाना है, मम्मी बुलवाना है, या सपोज दैट उसको नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, सबसे पहले उसको डेवलप कराने का तरीका है एक तो प्ले वे मेथड, और दूसरे कि बच्चे को नीड बेस्ड कराना है। सपोज दैट उसको अगर पानी चाहिए तो जस्ट लाइक हम एक प्ले ऐसा करें कि बच्चे वो पहले कम्युनिकेट करें और उसको हम मॉडलिंग दें। होता क्या है कि पेरेंट्स गलती क्या करते हैं कि उनको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, और ना तो वह गुड मॉडल ऑफ स्पीच देते हैं कि पानी बोलो, उसको पहले सोच रहे हैं बोल नहीं रहा है तो मैं बच्चे के साथ बोलूं क्या, स्टिमुलेशन नहीं देते हैं और उसको बोलने का चांसेज नहीं देते हैं। तो अगर एक बच्चे को पानी सिखाना है, अगर सिर्फ रो रहा है तो उसको सबसे पहले तो उसको नीड बेस बनाना है कि पानी जरूरत है। अगर बच्चा मान लिया उसके सामने उसको प्यास लगा है तो पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, अरे बच्चा 2 घंटा से पानी नहीं पिया है, जाकर बच्चे को मुंह में पानी डाल देते हैं। नहीं, वो कभी नहीं करना है। पेरेंट्स का यहाँ रोल होना चाहिए कि गिलास में आप पानी रखिए टेबल पर, बच्चे को आप बोलिए ये पानी है, पानी पीना है बेटा, बोलो हाँ, हो सकता है 10 टाइम्स मैं बोला तो एक साम बच्चा हाँ हो सकता है जेस्चर करे, फिर बोला उन्होंने पानी तो कुछ दिनों के बाद पा बोलेगा, फिर उसके बाद बच्चे क्या इमिटेशन करना सीखेगा पानी, तो अगर पा बोलता है आप बच्चे को पानी दीजिए। तो इस प्रोसेस में और प्ले वे मेथड और घर के जितने होम इन्वायरमेंट में अगर थोड़ा सा चेंजेज किया जाए, और हमारे जो ये सारे लोग घर के जितने मेंबर हैं उसमें अगर सपोर्ट करें कि नहीं बच्चा अगर इशारा करता है या सिर्फ रोता है तो उसको ऐसे ही बिना ऑन डिमांड कुछ नहीं देना है, जब तक कुछ उसके लिए डिमांड नहीं करता है तो नहीं देंगे, और इन्वायरमेंट के साथ और उसको प्ले वे मेथड के साथ अगर डेवलपमेंट किया जाए तो बच्चा का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, और इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट और बच्चे का, तीनों को कोऑर्डिनेशन करके अगर ठीक तरीके से किया जाए तो इसका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। जी, इसका मतलब वेल मैनेज्ड प्रोग्राम की जरूरत है जिसमें थेरेपिस्ट साथ के साथ फैमिली को और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, और उसके साथ जरूरी है कि हम बच्चे को किस तरह का एनवायरमेंट में कैसा स्टिमुलेशन दे रहे हैं ताकि उसकी प्रॉपर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। जी, और इसके बाद हम लोगों को अब स्पीच का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद, जैसा कि शुरू में हमने बोला था लैंग्वेज के कई पैरामीटर है, तो थोड़ा हमें लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है उसको हमें जानना चाहिए। जैसे फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, फोनोलॉजिकल में क्या है कि ये जो साउंड का जो है कॉन्सोनेंट वॉवेल, वो एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 2 ईयर्स और 1 ईयर यू कैन से एंड अप टू 7 ईयर्स ये जाता है। जो सिंपल वाले साउंड है पहले डेवलपमेंट होते हैं, जो डिफिकल्ट वाले हैं वो बाद में डेवलप होते हैं, इस तरह जो विजिबल साउंड है पहले डेवलप होते हैं, जो जो कम विजिबल है वो बाद में डेवलपमेंट होता है, जिसमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है वो बाद में डेवलपमेंट होता है, जिसमें कम कोऑर्डिनेशन मोटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है पहले डेवलपमेंट होता है। ये साउंड का पैरामीटर है, और मैंने ये एक 3 ईयर्स पर ये साउंड की जो चार्ट है ये देखा जा सकता है, ये बाई द एज ऑफ 3 ईयर्स ये सारी साउंड डेवलप हो जाती है। तो एज स्पेसिफिक साउंड का डेवलपमेंट है, इसका महत्व बहुत है आर्टिकुलेशन थेरेपी में, आर्टिकुलेशन करेक्शन में, कि 3 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा है और 2 साल में ये साउंड डेवलप नहीं करनी है, उसी तरह हमारे 3 to 6 months, उसी तरह 4 ईयर्स में, उसी तरह 4 to 4 years 6 months में, ये एज स्पेसिफिक, इसी तरह 8 ईयर्स तक सारे साउंड की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो नॉलेज ऑफ ये साउंड किस एज में क्या डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए 7 साल का कोई बच्चा है
और या 5 साल का हियरिंग इम्पेयर बच्चा है और वो रॉ साउंड डेवलप नहीं होता है, नॉर्मल बच्चा में रॉ साउंड आपको 6-7 ईयर्स लगता है, तो हियरिंग इम्पेयर बच्चे में कैसे होगा? तो ये नॉलेज हमें जरूरी है। दूसरी है कि हमारे जो शब्दों की अलग अलग जो वोकैबुलरी है उसका डेवलपमेंट होता है, एज स्पेसिफिक है, ये जानेंगे हम। जैसे 18 मंथ्स है उसमें 45 वर्ड्स होता है, ये बेस्ड ऑन द रिसर्च ये डाटा है। 3 ईयर्स में अराउंड 896 शब्दों का डेवलपमेंट हो जाता है, उसी तरह 4 ईयर्स में अराउंड 1500 और बाई द एज ऑफ 5 ईयर 3000 शब्द। तो हमें ये प्लानिंग करने में ये नॉलेज हमें मदद करेगा कि हमारा बच्चा कितना शब्द सीख गया है, बच्चे का एज क्या है। तो अकॉर्डिंगली अपने इन्वायरमेंट के शब्दों को सिखाना है, एंड अप्रोप्रिएट यदि चल रहा है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसी तरह ये जो मीनिंग है, मीनिंग कैसे डेवलपमेंट होता है शब्दों का, जिसमें हमने कंसेप्ट डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग कई मेथड है कंसेप्ट डेवलपमेंट करने का। तो यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा, जैसे कप है या बिल्ली है या बॉल है, बॉल वो एक सिंबल है, लेकिन उसके वो बॉल हम बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग में कंप्लीट सेंटेंस जाता है कि बॉल एक ऐसी चीज है जिससे खेलते हैं बच्चे, कप ऐसी चीज है जिसे चाय पी जाती है। तो ये कंसेप्ट डेवलप होता है बच्चों में, ये नहीं कि कप कप कप, जैसा कि संजय जी ने बताया कि पापा 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 सिखाओ, सिर्फ पापा 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 तो बोल दिया, लेकिन पापा किसको बोलते हैं नहीं समझा। तो बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी एक शब्द बोलता है लेकिन उसका ओवरऑल टोटल वो मीनिंग उसके डेवलपमेंट ब्रेन में कप नहीं जाता है। ब्रेन में कप का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एनालाइज करके बताता है कि एक ऐसी चीज है जिससे वो चाय पिया जाता है, कॉफी पिया जाता है। तो उस तरह से कई चीजें वो डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ये जो सिमेंटिक है उसमें कई है, पहले जैसे ऑब्जेक्ट डेवलप होता है नाउन, उसके बाद इवेंट्स एक्शन वर्ड्स वर्ब डेवलपमेंट होते हैं, एडजेक्टिव उसके बाद एडवर्ब, तो एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस नॉर्मल बच्चों में जब हो रहा है तो बच्चों का जब प्लानिंग करें तो पहले ही वर्ब ना सिखा लें, पहले ही एडजेक्टिव ना सिखाएं हम, वो एक सीक्वेंस जो नॉर्मल बच्चे में चल रहा है वही सीक्वेंस है उन बच्चों को भी करना है। और उसी तरह सिंटेक्स जो है, मैंने ग्रामर या सेंटेंस का स्ट्रक्चर, दो शब्दों को जोड़ना, ये 18 महीने से शुरू होता है। इसमें शुरू में तो टेलीग्राफिक होता है, टेलीग्राफी में लंबे सेंटेंस को दो शब्द में बोलकर समझा देता है, लेकिन दो शब्द वो पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है बाय वर्चू ऑफ हिज इंटोनेशन, हिज रिदम एंड ऑल दिस थिंग। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाद में सीखता है। ये एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ कि बच्चा जैसे मान लो कि बोट सीख गया है तो बाद में चल के बिग बोट बोलेगा, उसके बाद दैट बिग बोट बोलेगा, और लास्ट में दैट इज ए बिग बोट, इस तरह सीखेगा। नो प्ले बोलते हैं बच्चे, आई नो प्ले, बाद में चल के आई वोंट प्ले। सो लाइक दिस चिल्ड्रन डेवलप लाइक दिस। हमारा भी बच्चा हियरिंग इम्पेयर, मेंटली रिटार्डेड, सर्वर पॉलिसी या प्लानिंग करेंगे तो थ्रो प्ले हम जब कर रहे हैं तो लंबे लंबे सेंटेंस पर उसको सिखाने की कोशिश ना करें। हम बोले लंबे लंबे सेंटेंस लेकिन बच्चा वो पूरे सेंटेंस को दो शब्दों में निपट लेगा। तो ये नॉर्मल बच्चों में डेवलपमेंट होता है। एक मेथड जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन एंड डिफरेंशिएशन। शुरू में एक शब्द, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, शुरू में डॉग सीखा बच्चा और सारे एनिमल्स को डॉग बोलता है, बाद में चल के गाय भी देख रहा है लेकिन गाय से दूध आती है तो वो गाय को गाय नहीं बोलता, मिल्क डॉग बोलता है। तो दो शब्द हो गए, एक डॉग हो गया, एक मिल्क डॉग हो गया। अब बाद में चल के वो डॉग सीखता है, काऊ सीखता है, तो काऊ एंड डॉग, ये कैसे सीखा? ये डॉग का सहारा लेकर, मतलब जो इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स है पहले सीखता है और बाद में स्लोली फीचर्स के आधार पर डिफ्रेंशिएट करता है और वो डेवलप करता है। तो हमारा बच्चा भी, हियरिंग इम्पेयर बच्चे भी इसी तरह से करेंगे। तो हमें जैसे आपने बताया कि डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है और बच्चे का जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग होता है और डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे उसका डेवलपमेंट चल रहा है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। We will take a short break here, so be there and join us after this short break.
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मन अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तीन चार करके कंबाइन किए। वेलकम बैक टू आवर सेशन, जहाँ पे हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और अभी तक हमने अपने ब्रेक में जाने से पहले सेशन में देखा कि किन डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, तो उसी को कंटिन्यू करते आइए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज की, तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं, तो और कौन से कॉम्पोनेंट्स लैंग्वेज में इन्वॉल्व होते हैं? तो लास्ट में जिसे हमने सिमेंटिक सिंटैक्टिक देख लिया, फोनोलॉजिकल देख लिया हम लोगों ने, उसके बाद प्रैग्मेटिक्स होता है। तो जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किए कि सामाजिक अवस्था में किसको, जैसे एक हिंदू का बच्चा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो दूसरे को नमस्ते करेगा, एक मुस्लिम का बच्चा है वो सलाम अलैकुम बोलेगा, और दोनों का अर्थ एक ही है, रिगार्ड करना, दूसरे को आदर करना। तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में सीखता है, ये आएगा पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड प्रैग्मेटिक्स यूजेज, कौन सा शब्द कहाँ पर यूज करना है, तो कौन सा शब्द किस अवस्था में और कैसे यूज करना है, ये हमारे प्रैग्मेटिक्स होते हैं। और एक चीज बोल देता हूँ कि ये कभी कभी हम सिर्फ शब्द को विकास करने में फंसे रहते हैं, साउंड को विकास करने में फंसे रहते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है दो इसके पैरामीटर है, एक है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, एक है वर्टिकल डेवलपमेंट। वर्टिकल में एज स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट होता है उसको हमें ध्यान देना है कि एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं, एंड हॉरिजॉन्टल में होगा आपको पैरामीटर्स ऑफ द लैंग्वेज, जैसे फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक, उसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो दोनों तरह से हमें बच्चे पर डेवलपमेंट को देखते हुए असेसमेंट करना है, उसके बाद डेवलपमेंट को देखना है, असेसमेंट करना है, एंड तब मैनेजमेंट हमें शुरू करना है, टीचिंग शुरू करना है। तो इसके बाद हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट कैसे करें, क्योंकि विदाउट असेसमेंट हमारा लैंग्वेज का टीचिंग नहीं होगा, स्पीच का टीचिंग नहीं होगा। तो असेसमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वी गेट द बेस लाइन। एंड असेसमेंट का यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस। आपने असेसमेंट किया और आफ्टर 3 मंथ्स आप पुनः असेसमेंट करेंगे, तो आपका जो 3 महीना पहले जो असेसमेंट था वो असेसमेंट का रिपोर्ट बदल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि टीचिंग करने के बाद कुछ चेंजेज आएगा। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो असेसमेंट से ही मालूम होगा कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड हमने लागू किया और वो मेथड कितना इफेक्टिव है, ये असेसमेंट ही बताएगा। कितने जगह देखिए स्पीच लैंग्वेज का टीचिंग हो रहा है और टीचिंग साल भर करे जा रहे हैं, बीच में कभी भी असेसमेंट नहीं हुआ, वो रॉन्ग मेथड है। एवरी 3 मंथ्स एक टीचर को असेसमेंट करना चाहिए, ताकि उसे मालूम होगा कि बहुत सारे मेथड है, एक मेथड से वो टीच किया तो कितना प्रोग्रेस हुआ, कुछ बच्चों में नहीं हो रहा तो हम चेंज करेंगे मेथड। तो इसमें मदद करेगा हमें, और इसमें कई पैरामीटर है, और संजय जी बताएंगे इसके बारे में, असेसमेंट के बारे में। इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, इसमें जो है
मुक्त फोर मतलब चार कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मैं इसको बोल देता हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। ओरल फेरल टेस्टिंग, असिसमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फोनेटिक लेवल, असिसमेंट ऑफ चाइल्ड फोनोलॉजिकल लेवल, असिसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। इसमें सबसे पहले जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन और जो मेरा एक्सपीरियंस है उड़ान फॉर द डिसेबल में मैं जाता हूँ, तो वहाँ देखते हैं कि बच्चे जब आते हैं कोई पेरेंट्स लेकर के कि मेरे बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले है, तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं या हमारे जो और स्पीच थेरापिस्ट हैं उनके साथ आते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले देखा जाता है कि बच्चा जी बोल नहीं रहा है। तो जब बोल नहीं रहा है तो बोल नहीं रहा है तो उसका मतलब है ये नहीं कि सिर्फ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, नहीं बोलने के लिए जो ऑर्गेनिक कारण है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओरल फेरल टेस्टिंग, इसमें हम लोग जो देखते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चा का जो टंग है, लिप्स है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वोकल है, जो टंग मसल्स है, लिप्स मसल्स है, वो अप्रोप्रिएट काम कर रहा है कि नहीं। सपोज दैट अगर कोई बच्चा मान लिया किसी को अ बोलने के लिए उसका माउथ का पूरा ओपन होना चाहिए आ, आ, लेकिन अगर कोई बच्चा मूवमेंट थोड़ा करता है जस्ट लाइक शॉर्ट वोवेल की तरह खोलता है मुंह को, तो उसको हम लोग आ नहीं बोलवा सकते हैं, या वो बच्चा हंस नहीं सकता है जो नेचुरल लाफिंग है वो नहीं कर सकता है। अब उसमें फिर हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा को अगर टंग का रोटेशन नहीं है, टंग का लेटरल मूवमेंट नहीं है, टंग का अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, तो बच्चे में क्या होता है उसका प्राइमरी स्पीच जो सिस्टम है, इसका जो सिस्टम है सिर्फ बोलना नहीं है, उससे पहले हमारा सिस्टम जो स्पीच का जो सिस्टम का जो काम है चबाना, चूसना, निगलना, ऑक्सीजन इनहेल करना, ये सब सारी चीज़ें स्पीच जो सिस्टम है ओरल पेरिफेरल का, ये सिस्टम का प्राइमरी वर्क अलग है, सेकेंडरी वर्क है स्पीच करना। तो ओरल पेरिफेरल में हम लोग देखते हैं कि लंग्स का एयर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक है कि नहीं। बच्चा को अगर मान लिया सपोज दैट बोलना है फ, लेकिन अगर लंग्स से यहाँ वोकल कॉर्ड में हवा नहीं ला रहा है तो बच्चा कभी फ नहीं बोल सकता है। तो उसका हम लोग देखते हैं कि जो लंग्स एयर होल्ड कैपेसिटी ठीक है कि नहीं, टंग मूवमेंट ठीक है कि नहीं, टंग मूवमेंट के साथ साथ लिप्स मूवमेंट है कि नहीं, माउथ ओपनिंग क्लोजिंग है कि नहीं। अगर सपोज दैट कोई बच्चा अगर सपोज दैट वो मुंह हमेशा खुला रखता है तो बोलेगा कैसे, मुंह से सलाइवा गिर रहा है, या तो सलाइवा को कंट्रोल करेगा, या क्योंकि उसको सकिंग पैटर्न है। हम सारे सामान्य लोगों को भी सलाइवा आता है, लेकिन सामान्य बच्चे क्या कर रहे हैं सलाइवा को अंदर ले जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चे में क्या होता है सलाइवा इनटेक कैपेसिटी नहीं होती है, सलोइंग कैपेसिटी नहीं होती है बिकॉज ऑफ मसल्स वीकनेस। तो ये चीज हम लोग देखें कि ये देखना जरूरी है कि इसलिए कि जो हमारा ओरल पेरिफेरल है अगर ये जब तक हम नहीं देखते हैं तब तक इसका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट मुश्किल हो जाता है। सेकेंडरी है असिसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विथ फोनेटिक लेवल। बच्चा सपोज दैट आया उसका ओरल पेरिफेरल ठीक है, लेकिन वो जी बच्चा कुछ साउंड निकाल रहा है, उसकी मम्मी तो बोल रही है अ अ ग ग ग प व व कर रहा है, लेकिन क्या अ अ या ब ब ब वो सही कर रहा है या वोकल प्ले कर रहा है, तो वो हम लोग देखते हैं बच्चे को नेचुरल एनवायरमेंट में। यानी कि बच्चा आया मेरे पास, मैं इसको आधा घंटा में असिसमेंट कर दिया, नहीं, जैसा कि सर ने बताया कि असिसमेंट इन ऑन गोइंग प्रोसेस, तो उसको ये हमारे स्पीच थेरेपी में है आया बच्चा आधा घंटा असिसमेंट किया नहीं, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में देखते हैं, पार्क में ले जा करके देखते हैं, उसको जो सिबलिंग्स आते हैं भाई बहन उसके साथ बच्चा का इंटरेक्शन क्या है, क्या साउंड निकालता है। पेरेंट्स और जो असिसमेंट करते हैं इसमें थ्री कंपोनेंट्स होता है, इसमें होता है एक तो बच्चा है, फिर है कि पेरेंट्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कितना सही दे रहे हैं कितना गलत दे रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जो कोई टूल्स और स्केल यूज कर रहे हैं वो चीज़ें हैं, यानी ऑब्जर्वेशन और पेरेंट्स का इंटरव्यू और स्किल एंड टूल्स का यूज, ये तीन के माध्यम से हम जो ओरल पेरिफेरल टेस्टिंग करते हैं, फोनेटिक लेवल देखते हैं, उसके बाद फोनोलॉजिकल लेवल में बच्चा मान लिया सपोज दैट ये तो सही बोल रहा है, बच्चा मान लिया कोको कोला का जगह पर वो तोला बोल रहा है, लेकिन वो मम्मी उसकी बोल रही है नहीं 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 वो तो कोको कोला बोल रहा है, तो कोला वो बोल रहा है, लेकिन उसकी मम्मी ने समझ लिया कि मेरा बेटा ने कोको कोला मांगा,
तो वो सही बोल देते हैं। तो उसके लिए हम लोग पूरा आर्टिकुलेशन टेस्ट करते हैं, उसमें वो इनिशियल मीडियल फाइनल होता है, और उसके जो आर्टिकुलेशन के कंपोनेंट्स हैं सब्स्टिट्यूशन ओमिशन डिस्टॉर्शन एडिशन, उसमें अलग अलग इनिशियल मीडियल फाइनल में वर्ड्स होते हैं, और उस वर्ड को और पिक्चर को दिखा करके, यानी कि सबसे पहले हम वहाँ वर्ड बोलते हैं, उसमें हम पिक्चर दिखाते हैं, और रियल चीज को बच्चा सुनकर देखकर समझकर कितना बोल रहा है, नेचुरल वो क्या है, नेचुरल उसका लैंग्वेज क्या है, नेचुरल स्पोकन वर्ड क्या है, फोनोलॉजिकल लेवल उससे हम लोग पता करते हैं कि एक्चुअल फोनोलॉजिकल लेवल उसका बच्चे का क्या है। उसके बाद है असिसमेंट लैंग्वेज में देखते हैं। अब 4 साल का बच्चा है, वो आया, वो तो पेन को वो दतवन बोल रहा है, एक रूलर कहीं से बचाया, वो पेन को दातुन बोल रहा है, लेकिन पेन को पेन बोलना ना लैंग्वेज हुआ। अगर पेन को दतवन बोल रहा है या लकड़ी बोल रहा है या वुडेन कुछ बोल रहा है या लोहा कोई चीज बोल रहा है, तो पेन को पेन बोलना, तो ऐसा होता है कि जो 4 साल का बच्चा है 3 साल का बच्चा है, पेंसिल सारे बच्चे देखते हैं, एनवायरमेंट प्ले स्कूल जाते हैं, तो उसको बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल रहा है तो उसको हम लोग करते हैं कि ये बच्चा डिलेड है। इसमें लैंग्वेज में हम लोग बहुत सारे इंटरनेशनल स्किल्स हैं, टूल्स हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे रील्स है, रील्स में हम लोग देखते हैं रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, 2 कंपोनेंट्स होता है उसमें, एज बार ग्रुप है कि बच्चा 3 मंथ में क्या कर रहा है, 2 मंथ में क्या कर रहा है, 18 मंथ में क्या कर रहा है, 14 मंथ में क्या कर रहा है बच्चा, नॉर्मल डेवलपमेंट है, और रिसेप्टिव का और एक्सप्रेसिव का। फिर उसमें बच्चे को उसी एक्टिविटी को हम प्रेजेंट में करा कर देखते हैं। बहुत सारे क्या होता है, लोग नेचुरल पेरेंट से पूछ लेते हैं, पेरेंट से पूछने के बाद क्या होता है, जो हम लैंग्वेज असिसमेंट जो हमारा मेन एरिया होता है वहाँ, वो पेरेंट्स के अनुसार वो अधूरा रह जाता है। पेरेंट अपने बच्चे को बता देते हैं ये कर रहा है, नहीं उसको हम लोग करा के एक एक एक्टिविटी करा कर देखते हैं, सपोज दैट वो बच्चा कम्प्लेक्स सेंटेंस अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं, 2 स्टेप डायरेक्शन अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं। अब उसको बच्चे को मैं कहता हूँ जा कर के टेबल से पेन लाओ और मम्मी को मोबाइल उठा कर दो, ये 2 स्टेप डायरेक्शन मम्मी बोल रही है कर रहा, लेकिन एक एक्टिविटी को मैं करा कर देखता हूँ, तब मैं उसको देखता हूँ कि 2 स्टेप डायरेक्शन बच्चा समझ रहा है कि नहीं। उसके अनुसार है कि बहुत सारे अर्ली लैंग्वेज है, माइलस्टोन स्केल्स है, सो मेनी स्किल्स ऑफ लैंग्वेज असिसमेंट टूल्स है, जिसके द्वारा हम ये 4 चीज़ें बच्चे का असिसमेंट करते हैं, जिसमें ओरल पेरिफेरल फोनोलॉजिकल फोनेटिक और लैंग्वेज असिसमेंट टूल्स को यूज करके उसके बाद हम देखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि एक बच्चा का कंप्लीट ओवरऑल स्पीच एंड लैंग्वेज असिसमेंट होने के बाद उस बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस स्पीच एंड लैंग्वेज एरिया में क्या है। अगर कोई बच्चा, अगर कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर अगर सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं करता है कि सो मेनी टाइप ऑफ फीवर, मिंगोकोकस, मलेरिया, वायरल, बहुत सारी चीजें हैं, बुखार का 10 टाइप्स हैं, 40 टाइप्स हैं, उसी प्रकार से अगर स्पीच एंड लैंग्वेज का असिसमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ, डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं हुआ, तो उसका हम लोग थेरेप्यूटिक प्रोग्राम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। और जब प्रोग्राम अगर उसका नहीं होगा, असिसमेंट डायग्नोसिस नहीं होगा, तो ठीक तरीके से उसका प्रोग्राम नहीं बनेगा और इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और जिसके कारण बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ जरूरी है कि स्पीच एंड लैंग्वेज का जो असिसमेंट होता है, इन 4 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और ये सब सारे फैक्टर को रख करके उसको कम्प्लीट असिसमेंट करके एक अच्छे तरीके से डायग्नोसिस करके देन उसका हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम और टीचिंग मेथड बनाना जरूरी है, जो कि सर अभी बताएंगे टीचिंग मेथड। सर जैसे यहाँ हमने बात की असेसमेंट पार्ट की जी, तो बेसिकली असेसमेंट पार्ट जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, एंड इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो वेदर द चाइल्ड्स स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एज अप्रोप्रिएट और डिलेड। देखा जाए तो अगर हम बिना असेसमेंट के हम बच्चे का नहीं पता लगा सकते कि जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है वो बिल्कुल एज के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसकी उम्र के हिसाब से हो रहा है जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है, या उससे थोड़ा अलग है, डिलेड है या डेवियंट है। डिलेड मतलब उसका एज के अकॉर्डिंग पीछे चल रहा है, या डेवियंट जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है उससे थोड़ा अलग डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं।
अभी जो हमने बात करी असेसमेंट की, उसमें हम डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके बताया रील्स, जिसमें रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव एज का हम पता लगाते हैं। उसका मतलब ये होता है, रिसेप्टिव मतलब बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स बच्चे का समझने का लेवल कितना है। और दूसरी बात अगर हम देखें कि एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, एक्सप्रेसिव एज डिफाइन करती है वर्ड कि हम अपनी बात एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जैसे कि अगर हम अभी बातचीत कर रहे हैं तो हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम बोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं, सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, या इशारे यूज़ कर रहे हैं, उसके भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे हो सकते हैं। ये सब कुछ बातें कि बच्चे में कौन सी चीज़ का कॉन्सेप्ट है, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, अपनी बात को बोल सकता है, सारी बातों को अगर हम नटशेल में देखें तो असेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी सर, जैसे अभी हमने असेसमेंट की बात की और फाइनली मतलब ये बताया गया रिजल्ट जो निकलता है कि असेसमेंट हमारा टाइम टू टाइम चलता है। जैसे हम पहले बेसलाइन असेसमेंट करते हैं, फिर फर्स्ट टर्म करते हैं, फिर सेकेंड टर्म करते हैं, और बाद में बच्चे का हमें असेसमेंट में पता चल जाता है कि बेसिकली बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ उसका कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है उसके नॉर्मल डेवलपमेंट में, और उसके अकॉर्डिंग हम मेथड्स ऑफ टीचिंग में जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो टीचिंग ऑफ मेथड जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, हम दो भागों में बांटे हैं। पहले हम लोग स्पीच के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि स्पीच को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे टीच किया जाए, और उसके बाद लैंग्वेज को कैसे टीच की जाए। और एक चीज़ हमें पर्टिकुलरली हियरिंग इम्पेयर बच्चे हैं, आप देखिए ये ग्राफिक, इससे मालूम हो जाता है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है हियरिंग इम्पेयर बच्चों में। सिर्फ बच्चों में सिर्फ एक हियरिंग इम्पेयर बच्चा है तो हमारा जो जैसे एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, तो उसके ऊपर जैसे मैंने शुरू में क्रिटिकल पीरियड पर हम लोगों ने डिस्कस किया, और क्रिटिकल पीरियड एक माने रखता है डेवलपमेंट में। तो अगर अर्ली आइडेंटिफाई किए बच्चे को, हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन किए इंटरवेंशन, तो ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट होगा। उसके बाद डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है कि बच्चे को कितना डिग्री एंड टाइप है, उसके ऊपर भी हमारा ये जो प्लानिंग है, टीचिंग मेथड है, वो चेंजेज आ जाएगा। यूज ऑफ हियरिंग एड और एम्पलीफिकेशन डिवाइसेज, कितना यूज कर रहा है बच्चा, तो उसके ऊपर भी हमारा मेथड। बच्चा मान लो कोई नहीं यूज कर रहा है हियरिंग एड, फिर भी हम लैंग्वेज डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा मेथड बदल जाएगा। उसके बाद लिंग्विस्टिक एबिलिटी कि लैंग्वेज ऑलरेडी पहले से बच्चे में कितना ऑलरेडी है, और उसके बाद कोई एसोसिएटेड डिसेबिलिटी है बच्चे में, तो ये सारे फैक्टर को हमें मद्देनजर रखते हुए हमारे टीचिंग प्लान को आगे बढ़ना है। अदरवाइज ये नहीं रहते, एक चीज करते रह जाएंगे और दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा डेविएशन हमें देखना है कि पर्टिकुलरली हियरिंग इम्पेयर बच्चों में किस किस चीज का डेविएशन होता है उनमें, और जैसे उनकी ये देखिए, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये स्लाइड देखेंगे आप कि रिस्पायरेशन एंड इट्स कंट्रोल हियरिंग इम्पेयर बच्चों में। देखो जैसा कि संजय जी ने बताया कि स्पीच इज द सेकेंडरी बिहेवियर, प्राइमरी फंक्शन कुछ और है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन जो ऑर्गन है हमारे, उसको स्पीच के लिए अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। तो क्या हियरिंग इम्पेयर बच्चा स्पीच के लिए इसको यूज कर रहा है, रिस्पायरेटरी एंड इट्स कंट्रोल, रिस्पायरेशन एंड इट्स कंट्रोल, उसी तरह फोनेशन एंड इट्स कंट्रोल, फोनेटरी लाइरिंग से कंसर्न है, उसी तरह आपको आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेशन के बाद सुप्रासेजमेंटल है, सुप्रासेजमेंटल के कोऑर्डिनेशन एमंग ऑल दिस थ्री, कि स्पीच इज अ कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर, तो आर्टिकुलेशन, फोनेशन एंड रिस्पायरेशन, ये जितनी एक्टिविटियां हैं सब में एक हमारे ब्रेन से रेगुलेशन होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो ये हमें डिफरेंस पाया जा देखना है कि इन बच्चों में या हियरिंग इम्पेयर बच्चों में क्या होता है। उसके बाद स्पीच इंटेलिजिबिलिटी की क्या कंडीशन है, उसके बाद हमें
देखेंगे कि इनके जो बच्चे हैं इन अप्रोप्रिएट ब्रीथ पैटर्न होता है हियरिंग इम्पेयर बच्चों में, उसके बाद इन एडिक्वेट ब्रीथ सपोर्ट होता है, ये पाया गया, कोई जरूरी नहीं है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग यदि सब चीज़ ठीक ठाक चला है तो सब चीज़ नॉर्मल भी हो सकता है, और यदि नहीं ठीक ठाक चला है तो अब नॉर्मल भी हो सकता है। उसी तरह इन एडिक्वेट ब्रीथ कंट्रोल है, उसी तरह फोर्स एक्सप्रेशन वाइल स्पीकिंग, एकदम जोर लगाकर बच्चा बोलता है और एक्सप्रेशन वो बाहर निकलता है, तो ये सारी एक्टिविटियाँ उनमें अब नॉर्मल होती है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि जो डेविएशन होता है जो, ताकि हम इन पैरामीटर्स पर राइट फ्रॉम बिगिनिंग अपना प्लान कर सकें, टीचिंग करें उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर द स्पीच, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, ब्रीथ कंट्रोल, ब्रीथ सपोर्ट, इस पर छोटी 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 एक्टिविटियाँ हैं उसको कर कर हम ठीक कर सकते हैं। अब बच्चे को जब हम रियली ट्रू स्पीच सिखाएंगे तो हमारा बेटर डेवलपमेंट होगा, इजी डेवलपमेंट होगा, तो ये ध्यान देना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें जो होता है प्रॉब्लम मुख्य रूप से कि जो स्पीच की प्रॉब्लम होती है, पिच की डिजॉर्डर ऑफ पिच एंड इट्स कंट्रोल हो जाते हैं, देखें आप। और उसके बाद उनकी लाउडनेस एंड इट्स कंट्रोल मुख्य रूप से उनकी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद वॉइस की क्वालिटी, ये चार है वॉइस का प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो ये क्या करता है बच्चा कि ये पिच को हाई पिच कर सकता है, लो पिच कर सकता है, उसी तरह उसके लाउडनेस को भी वो या तो सॉफ्टली बोलेगा या इनएबिलिटी टू रेगुलेट लाउडनेस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड अक्रॉस अटरेंस, उसी तरह ड्यूरेशन ऑफ वॉवल अफेक्टेड। सो उसकी प्रत्येक जैसे स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस ड्यूरेशन का चेंज हो जाता है, वो बच्चा नहीं सिखा रहता है। तो उसी तरह ब्रीदनेस, नेजालिटी, हार्शनेस ड्यूरिंग स्पीच इन बच्चों में पाया जाता है, तो ये सब चीज़ें हमें ठीक करना पड़ेगा। और उसी तरह हमारा आर्टिकुलेटरी जो है, हमने दिखा रहे हैं यहाँ पर एरर्स इन आर्टिकुलेशन, तो उसमें वॉवल्स में कॉन्सोनेंट तीन है, डिप्थोंग्स है, तो कॉन्सोनेंट एरर्स भी मोस्ट कॉमन है इन बच्चों में। एंड एरर पैटर्न जो होता है, एक पर्टिकुलर एरर पैटर्न उनमें पाया जाता है इन बच्चों में। तो जैसे हम देखिए यहाँ ओमिशन ऑफ इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट जो होते हैं, उसके बाद सॉ साउंड, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है सॉ साउंड, उसका ओमिशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वॉइस एंड वॉइसलेस, ओरल नेजल साउंड, इस तरह का पैटर्न यूजुअली पाया जाता है इन बच्चों में। उसी तरह इंसर्शन ऑफ वॉवेल बिटवीन कॉन्सोनेंट, एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देता है एक वॉवेल, उसी तरह डिस्टॉर्शन का एरर होता है उनमें। अननेसेसरी रिलीज ऑफ फाइनल स्टॉप कॉन्सोनेंट, जैसे कप बोलना है तो कप, इस तरह अननेसेसरी रिलीज ऑफ स्टॉप साउंड करता है वो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिप्थोंग, डिप्थोंग है कहीं जहां पर ज्यादा ड्यूरेशन लगेगा, टू वॉवेल कंबाइन करके बोलेगा उसको, वो ड्यूरेशन कम करेगा, आप वॉवेल में ही वो काम चला लेता है। तो ये है हमारा, उसी तरह आपको न्यूट्रलाइजेशन करता है, सब्स्टिट्यूशन, नेजलाइजेशन, प्रोलोंगेशन, ऑल दिस थिंग वॉवेल में वो प्रॉब्लम करता है बच्चा। उसी तरह उन्हें सुप्रासेजमेंटल में चार पैरामीटर होते हैं, इनसफिशियंट वेरिएबिलिटी ऑफ इंटोनेशन, ड्यूरेशनल क्यूज इन प्लेस ऑफ इंटोनेशन, स्ट्रेस वेरिएशन, स्लो रेट ऑफ जो उनके होते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट या वर्ड्स का, या मोनोटोनस स्पीच, ये सारी चीज सुप्रासेजमेंटल में पाया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे प्रॉब्लम डेविएशन जो था, इसको हम सिस्टमेटिकली कैसे करेक्शन करें। ये सब जो हमने देखा था, जैसे आपने बताया असेसमेंट हम करते हैं जी, तो ये जो सारी स्पीच एंड लैंग्वेज की जो हमारी डेविएशंस हैं, ये हम असेसमेंट के बाद ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, तो हम असेसमेंट के दौरान ही धीरे धीरे पता लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारे माइलस्टोन्स होते हैं, जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, उनमें बच्चे में किस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे वॉइस है, वॉइस में पिच, ब्रेथ ड्यूरेशन, प्रोलोंगेशन, इस सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट्स, इन सब पैरामीटर्स को हम असेसमेंट के दौरान ही देख पाएंगे कि बच्चे में किस तरह की डेविएशंस हैं, और फर्दर डेविएशंस में कौन सा बच्चा नॉर्मल शो कर रहा है और कौन से में बच्चे की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सब हम असेसमेंट के दौरान ही पता लगा पाएंगे, और उसी के आधार पर ही हम उनका मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। तो मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम देखेंगे कई मेथड हैं, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, अलग अलग बच्चों में डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस टाइप, जो जो फैक्टर पहले बताए हैं हमने,
वो हमारा अंतर होने लगेगा। और इसमें मुख्य रूप से तीन, डेनियल लिंग के हिसाब से डेनियल लिंग ने बहुत अच्छा काम किया है स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रेन। उन्होंने एक बहुत अच्छी शेड्यूल दिया है, उन्होंने चार स्टेज दिया है कि स्पीच लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो चार स्टेजेज में होता है। और उन्होंने उस स्टेज को फॉर प्लानिंग ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, फॉर टीचिंग स्पीच एंड लैंग्वेज वो इस्तेमाल करने का उन्होंने ये बताया। ये चार जो है हमारा फेज वन जो बताया गया, शुरू में जो हम लोगों ने देखा था शुरू के 6 महीना के पीरियड तक जो डेवलपमेंट में, वो फेज वन है। उसी तरह जैसे जैसे फेज टू में उसके बाद वो थोड़ा बढ़ने लगता है आगे बच्चा, इसी तरह उन्होंने दिया है 3 और 4। तो फेज 1, 2, 3, 4 चार भागों में उन्होंने बांटा। जैसे हम लोगों ने लैंग्वेज स्पीच का डेवलपमेंट देखा, उन्होंने चार भागों में बांटा और उसको कैसे इस्तेमाल करना अलग अलग, जैसे उन्होंने मेथड दिया। जो जैसे पहला हमारा मेथड है कि ये प्रिंसिपल्स जो है, जो सिस्टमेटिक जो है हमारा प्रिंसिपल्स, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टिमुलेटिंग स्पीच प्रोडक्शन बाय द मोस्ट नेचुरल वे अकॉर्डिंग टू डेनियल लिंग, बोला है कि नेचुरल वे में स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरा उनका प्रिंसिपल्स है ऑफ स्पीच टीचिंग, मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ सेंसरी चैनल, सेंसरी चैनल मुख्य रूप से हियरिंग है। उसके बाद यदि हमारा इनएडिक्वेट है तो विजन, उसके बाद टेक्टाइल काइनेस्थेटिक, इसको एप्रोप्रिएट इस्तेमाल होना चाहिए एंड कंप्लीट रूप से ऑप्टिमम। उसके बाद जो टेक्निक्स यूज इन डेवलपिंग स्पीच शुड इंक्लूड दोज दैट हेल्प इन स्पीच प्रोडक्शन, कि ये नहीं कि हम कुछ भी करते जाएं, स्पीच प्रोडक्शन में क्या चेंजेज आ रहे हैं, कौन सा टेक्निक हमारे ये पर्टिकुलर बच्चा के लिए यूजफुल होगा वो हमें देखना है। और इसमें मुख्य रूप से तीन जो यहाँ दर्शाया गया है, मुख्य रूप से मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट, ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच एंड एसोसिएशन फोनीम यूनिट, ये डेनियल लिंग ने बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और हम लोग वन बाय वन एक एक मेथड को देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर डिस्क मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट में मुख्य इसकी क्या है योगदान, तो मल्टी इसमें तो है कि मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं। अगर बच्चा में, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है और उसको अप टू 2 kHz ही रिस्पांस है थ्रू ऑडिटरी, और 2 kHz के बाद उसको रिस्पांस नहीं है इवन विद द हियरिंग एड, तो ये मेथड बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम मल्टी सेंसरी नॉट ओनली द ऑडिटरी, अपार्ट फ्रॉम ऑडिटरी विजुअल टेक्टाइल ये सारी सेंसरी चैनल यूज कर रहे हैं। और इसीलिए हमने पहले वाले एक प्रोग्राम में बताया था कि ऑडियोग्राम जो है बेस फॉर सेलेक्टिंग द डिफरेंट अप्रोचेज। ऑडियोग्राम के बिना हम ये नहीं मालूम होगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी तक बच्चा सुनता है और कौन सा फ्रीक्वेंसी तक नहीं सुनता है, तो सिलेक्शन ऑफ अप्रोच हमारा गलत हो जाएगा। और जब सिलेक्शन ऑफ अप्रोच गलत होगा तो बच्चे में स्पीच का लैंग्वेज का विकास नहीं होगा, और बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, टीचर भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, तो ये हमें देखना है। यहाँ पर जो है सिलेबल एज ए बेसिक यूनिट, नॉट दैट कि पर्टिकुलर साउंड को डेवलप करना है। बाइबलिंग पीरियड में जैसे बाबा बाबा बच्चा बोलता है तो लाइक दिस यू हैव टू स्टार्ट सिलेबल, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबल वी कैन स्टार्ट। और उन्होंने जो डेवलपमेंट का सेकेंड एंड थर्ड जो स्टेज बताया था डेनियल लिंग ने, वो स्टेज पर ज़्यादा इंफेसाइज करना है इसमें। और ये जो है आपका कि स्पीच साउंड्स इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर ऑफ लेस डिफिकल्टी, एक हम दिखाएंगे एक कि हमारे पास रिसर्च किया गया है अब कौन सा स्पीच का साउंड्स इजी है और कौन सा डिफिकल्ट है। सो इजी टू अदरवाइज भी इजी टू कम्प्लेक्स की तरफ हम लोग का ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पीच डेवलपमेंट है कि पहले इजी वाला डेवलप करिए और उसके बाद डिफिकल्ट वाला। तो उसके बाद मल्टी सेंसरी में हम 3 लेवल पर काम करते हैं, प्रोडक्शन, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद पर्पस। इसके चार्ट में दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि पहले तो ये दिखाना चाहता हूँ, ये ग्राफिकल देख लीजिए, विच इज द इजियर साउंड एंड विच इज द डिफिकल्ट साउंड, ये दिखा रहा है कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली नीड करेक्शन एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली नीड लेस फ्रिक्वेंटली नीड करेक्शन। तो ये जो हमारा लेस
करेक्शन एंड मोर करेक्शन का है, ये रिसर्च करके इंग्लिश का है, इसी आधार पर हिंदी में भी होगा। इसमें सारा साउंड का दिखाया गया है और उसके बाद जो हमारा ये बनता है जो लेसन प्लान फॉर द साउंड डेवलपमेंट, वो तीन स्टेज में बनता है, प्रोडक्शन, प्रैक्टिस एंड पर्पज। अब मार्किंग भी करते हैं, शुरू में अब्सेंट होता है, असेसमेंट बताया कि साउंड वॉज नॉट डेवलप, अब्सेंट था, तो अब्सेंट पहले हम मारेंगे, एक मार ब्लैंक रखेंगे, एक बनाएंगे हम लोग ये चार्ट, और उसके बाद ये चार्ट देखकर इसमें हम इमर्जिंग, अगर बच्चा ने डेवलप करना शुरू किया तो क्रॉस करेंगे, हाँ उसके बाद दूसरा क्रॉस करेंगे जब कंप्लीट डेवलप हो जाएगा। तो एक चार्ट रहेगा हमारे पास ईच साउंड के लिए कि ऑप्शन वो नहीं बच्चा निकल रहा है, उसके बाद इमर्ज हो रहा है और उसके बाद डेवलप्ड हो गया। तो एक एक करके इजी टू कॉम्प्लेक्स साउंड वाला हम लोग इसी तरह हम सारे साउंड को दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉवेल्स है, फ्रंट एंड बैक वॉवेल्स, उसी तरह ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट का एक चार्ट है जो इंटरनेशनली ये साउंड का ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर दिखाएगी। ये नॉलेज होना जरूरी है हमें, ये डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ वॉइसिंग, ये तीनों का नॉलेज होना जरूरी है अगर साउंड का करेक्शन हम अप्रोप्रिएटली एडुकेटली हम करते हैं तो। तो ये चार्ट हमने दिखाया। उसके बाद दूसरा अप्रोच है हमारा ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच, ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच। यहाँ पर हम इनपुट इज कनेक्टेड फ्लुएंट स्पीच, ये फ्लुएंट स्पीच जैसे हम लोग बोलते जाते हैं नेचुरल वे में, वैसे बोलना है, कहीं रुकना नहीं है। एंड फर्स्ट फेज, देखिए इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट फर्स्ट फेज है, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसमें हमारा जो है ये जो ऑडिटरी जो सेंस है, ऑडिटरी सेंस को हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू, इसका अलग भी नाम है, एकोपेडिक अप्रोच नाम है, एकॉस्टिक अप्रोच नाम है, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच है। तो इस पर हम ऑडिटरी चैनल को ज्यादा इम्फेसाइज करते हुए हम इस पर जोर देते हैं। सर इसका मतलब ये जो अप्रोच आपने बताई है जी, जो कि हमारा एक मेथड है एज ए मैनेजमेंट हम उसको यूज करते हैं, तो उसमें इस मेथड में हम ऑडिटरी चैनल को ज्यादा यूज करते हैं, मतलब जो हमने पहले की अप्रोच देखी थी विच इज बेस्ड ऑन मल्टी सेंसरी अप्रोच, जिसमें हम ऑडिटरी, ना सिर्फ ऑडिटरी बल्कि सारी सेंसेस को हम इन्वॉल्व करते हैं, पर इस वाली अप्रोच में हम बेसिकली सिर्फ ऑडिटरी अप्रोच को यूज करते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, और अलग अलग फेजेस में की जाती है। जैसे आपने बोला कि फर्स्ट फेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर देन वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू द डिफरेंट फेजेस। ऑडिटरी ग्लोबल में और मल्टी सेंसरी में जैसा कि आपने बताया, पुनः ये कि किन बच्चों को ऑडिटरी ग्लोबल जरूरत है, किन बच्चों को मल्टी सेंसरी अप्रोच है अप्लीकेबल है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एडेड ऑडियोग्राम, अनएडेड ऑडियोग्राम एंड ऑडियोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो सिलेक्शन हमारा अप्रोप्रिएट होगा। बेसिकली अगर हम कहें तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन आर असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, कि हम बच्चे का क्या असेसमेंट कर रहे हैं, कैसा हमने एग्जामिन किया, तो हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिला, हमने क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा ऑडियोग्राम का होता है, और हमने क्या उसको डायग्नोसिस किया, उसके इन सब को कंबाइन करें, इन सब के बेसिस पे ही हम अपना मेथड ऑफ टीचिंग और मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। और ऑप्शन जो हैं डेनियल लिंक के अनुसार, कि एक मेथड हमने शुरू किया और उसमें मैंने असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट किए, एक मेथड अप्लाइड किए, और आफ्टर 3 मंथ्स यू डू द इंटरवेंशन प्रोग्राम, और पुनः 3 महीने के बाद असेसमेंट करिए, और यू शुड बी ओपन। कितना में रिजिट हो जाता है, नहीं जी ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच ही हम लागू करेंगे, मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट ही अप्लाई करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। इट टोटली डिसीजन ऑफ द चाइल्ड, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड, व्हाट इज द रिमिनेंट हियरिंग ऑफ द चाइल्ड, तो हमें खुला रहना चाहिए हमारा। लास्ट में आपका तीसरा जो अप्रोच है उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन फोनीम यूनिट। इसमें हमारा इसमें भी मल्टी सेंसरी देते हैं हम स्टिमुलेशन फॉर द स्पीच, लेकिन इसमें अब पहले हमारा जो मेथड था मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट, वहाँ पर बेसिक यूनिट इज सिलेबल, यहाँ बेसिक यूनिट इज स्पीच फोनीम, बेसिक माने यूनिट फोनीम से हम शुरू करते हैं, ऑल द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड थर्ड फेज ऑफ द डेवलपमेंट
मतलब एट द एज ऑफ 9 मंथ जो बच्चे करते हैं वो सारी एक्टिविटियां इन बच्चों में करना है, और इसमें मल्टीसेंसरी है। तो पहला और तीसरा एक ही तरह का मेथड है, लेकिन पहले में हमने देखा कि उसमें सिलेबल से हमने इम्फेसाइज किया, डायरेक्टली सिलेबल पर प्रैक्टिस शुरू किया। यहाँ पर हम एक एक वॉवेल, एक एक कॉन्सोनेंट को हम अपने टारगेट करते हैं और वहाँ से डेवलपमेंट शुरू करते हैं। उसके बाद ये तीनों मेथड का ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, तीनों का ब्रीफ में ये दर्शाया गया है। और ये जो मैं यहाँ ब्रीफ में ये भी दिखाना चाहता हूँ कि स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 ये फोनेटिक लेवल और फोनोलॉजिकल लेवल, ये स्टेज 1, 2, 3 ऑलवेज इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5। ये एक रेडीमेड रेकनर का काम करेगा किसी भी टीचर को कि पहला स्टेज जब डेवलप हो गया तो दूसरा आप डेवलप करें, फिर तीसरा करें, ये 1 by 1 ये हमारा आगे बढ़ते जाएंगे और ये स्पीच में हमें काम होगा। इसके बाद इसके अलावा हमें लैंग्वेज टीचिंग के कई मेथड हैं जिसमें ये दिखाया गया एक्सटेंशन मेथड। शुरू में भी मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में बताया था कि एक्सटेंशन एंड डिफ्रेंसिएशन, उसमें बच्चा कैसे डेवलपमेंट होता है, एक्सपेंशन, उसके बाद करेक्शन, मॉडलिंग, उसके बाद प्रॉम्प्टिंग, सेल्फ एंड पैरेलल टॉक, दीज आर द डिफरेंट हाउ यू कैन एक्सटेंड द वर्ड्स, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। एक शब्द सीखा है बच्चा और उसको दूसरे शब्द में कैसे चेंज करेंगे, जैसे मैंने कुत्ता का बताया, कुत्ता सीखा है लेकिन स्लोली ही जो लर्निंग है, गाय बड़ी होती है और कुत्ता छोटा होता है, गाय दूध देती है कुत्ता दूध नहीं देता है। सो हाउ नॉर्मल चाइल्ड डिफ्रेंशिएट्स डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन एंड स्लोली ही एक्सपेंड्स द नंबर ऑफ शब्द। तो हमारे बच्चों में भी रैंडमली कभी देखते हैं कई स्कूलों में जो भी शब्द है, कोई ऐसा बहुत सारे शब्द हैं हमारे हियरिंग इम्पेयर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में कि बहुत सारे जंगल के जानवर हैं, वो अभी नॉर्मल आदमी नहीं जानता, नॉर्मल बच्चा उसका नाम नहीं जानता है और डेप बच्चे को हम लोग सिखाने लगते हैं, तो ये हमें गलत मेथड हो जाएगा। लैंग्वेज एज अप्रोप्रिएट वेकुलरी है कि नहीं, ये बहुत ही इसमें हमारे हिंदी लैंग्वेज में चाहे हमारे इंडियन लैंग्वेज में कौन सा शब्द किस एज में बच्चा डेवलप करता है उसका NCERT में डाटा है, उसको हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। करेक्शन मेथड है कि बच्चा कहीं गलती किया उसको हम इमीडिएट करेक्शन कर सकते हैं, आर्टिकुलेशन करेक्शन या कोई भी शब्दों का भी हम अगर गलत उच्चारण किया तो उसको हम करेक्शन कर सकते हैं। मॉडलिंग इज द लेटेस्ट मेथड एंड कॉपिंग बंदूरा ने दिया था इसको, एंड इवन नॉर्मल चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, TV, इंटरनेट, कंप्यूटर, दिस मॉडलिंग गलत भी सीखते हैं हम लोग, अच्छे चीज भी सीख सकते हैं। आज नॉर्मल सोसाइटी में देखिए नॉर्मल बच्चे लोग कई चीज़ें ये फिर टीवी से देखते कर सीख रहे हैं, उसी तरह ये चूंकि ये बंदूरा ने जो स्टडी किया ये मच मोर इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच, तो हमको सही मॉडल देंगे तो बच्चा सही तरीका से डेवलपमेंट होगा। तो ये मॉडलिंग है। प्रॉम्प्टिंग है कि जब भी बच्चा सही बोल रहा है उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, उसको थोड़ा सा हिंट दीजिए, ये नहीं कि सारा रेडीमेड बता दिए। आप संजय जी ने शुरू में बताया था कि बच्चा पा भी बोल दिया, अच्छा पा नहीं बोला, हम हिंट दिए पा पा, और वो जैसे ही हमारा दिया वो इंडिकेशन तो उसको हम इनकरेज करेंगे, बच्चा वो कोशिश करेगा फर्दर बोलने के लिए, तो ये हुआ। सेल्फ टॉक, सेल्फ एंड पैरेलल टॉक, सेल्फ में देखिए एट द एज ऑफ 8 मंथ 9 मंथ वो बच्चा खुद को बोलना शुरू करता है, चाहे ये बाद में भी अपने बच्चे बोलते हैं तो बच्चे कोई शब्द को देखकर रैंडमली वो हो सकता है उस शब्द का वो मीनिंग सही ना हो लेकिन उसका नेमिंग वो दे रहा है, तो उसको डिस्करेज नहीं करना है, लेट हिम टेल दैट शब्द, लेकिन उसको हमें बाद में मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में चेंज करना है। अब पैरेलल टॉक में होता है कि मदर इज ऑल्सो और जो केयर गिवर है दे आर हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ दिस थिंग लैंग्वेज, तो दीज आर द कुछ में। इसके अलावा भी है कई डायरेक्ट मेथड, स्टोरी मेथड, फोनेटिक प्लेसमेंट टेक्निक, ये सब स्पेसिफिक है कि किस बच्चे को कौन सा मेथड हम लागू करें ताकि डेवलपमेंट हो। सर जैसे एक प्रोफेशनल है वो ही असेसमेंट के बाद प्रॉपरली ये डिजाइन कर सकता है मैनेजमेंट प्लान
और मैनेजमेंट प्लान के बाद उसको अप्लाई करना, उसको पूरा फॉलो करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जैसे आपने कुछ टेक्निक्स बताई, टेक्निक्स में आपने अप्रोचेस बताई डिफरेंट जो हम एज अ मैनेजमेंट प्लान यूज़ कर सकते हैं. और उन मैनेजमेंट प्लान में फर्स्ट हमने देखा मल्टी सेंसरी अप्रोच, जिसमें हम सारी सेंसेस को कम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेंसेस वी यूज टू टीच डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टू द चाइल्ड टू अवेयर, टू मेक हिम अवेयर, टू मेक हिम get to the level of the normal speech and language development as to the other children, comparing to the other children. फिर उसके बाद अगर हम देखें मल्टी सेंसरी के बाद कि सिर्फ हम ऑडिटरी स्टिमुलस को यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा चैनल है, जो हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द ऑडिटरी, जिसको हम अकोस्टिक भी बोलते हैं. और उसके बाद हमने देखा कि इन सब मेथड्स को यूज़ करके हम डिफरेंट फेसेस में हम बच्चे का डेवलपमेंट देखेंगे कि किस लेवल पे, और हम असेसमेंट के बाद हम ये चाहेंगे कि बच्चा नेक्स्ट लेवल पे कितने टाइम तक पहुंच रहा है, हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन लेवल पे पहुंच सकते हैं. जी, और इसके अलावा जैसे संजय जी ने बताएंगे कि इसमें टीचर के लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए, कि मटेरियल बहुत सारा है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, टीचिंग एड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या लगते हैं, जैसे स्पीच के लिए कुछ स्पेशल मटेरियल है, जैसे ओरो पेरिफेरल मैकेनिज्म डेवलपमेंट के लिए अलग मटेरियल, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कैसे घर पर बताएंगे, तो इनको ये बताएंगे कि कैसे कौन कौन से मटेरियल ज़्यादा यूजफुल होगा. सर जैसे मतलब हम डिफरेंट मटेरियल्स को भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो मटेरियल्स के थ्रू ही हम मतलब बच्चों को हम बता सकते हैं, और अपनी जो भी कॉन्सेप्ट हम सिखाना चाहते हैं वो हम इंक्लूड कर सकते हैं. जी. तो ये सब हमारे एक्सपर्ट हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. प्लीज जॉइन अस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. वेलकम बैक टू आवर सेशन, जहाँ पे हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में. और अभी तक ब्रेक से जाने से पहले हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट अप्रोचेस जो एज अ मेथड्स ऑफ टीचिंग हम यूज़ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनको स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में उनका डेविएटेड है या डिलेड है. तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. सो जैसे अभी तक हमने अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करा, तो वी विल फर्दर मूव ऑन टू द डिस्कशन. सो जैसे लैंग्वेज जैसे डेवलपमेंट करने हैं और स्पीच भी डेवलपमेंट करने हैं, विदाउट
इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। होम ट्रेनिंग जिसको बोला जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक मुख्य कंपोनेंट है स्पीच डेवलपमेंट टीचिंग का, तो उसमें मटेरियल जो है सेलेक्शन जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं या टीचिंग एड्स, तो पेरेंट्स को बताना कि ये मटेरियल्स घर पर जो जो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध है तो उसको कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसको इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में संजय जी आपका क्या राय है बताइए। इसमें सबसे पहले हम लोग तो स्पीच डेवलपमेंट से पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि हमेशा लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम जब तक अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है तो स्पीच वो मीनिंगफुली नहीं होगा। तो इसीलिए लैंग्वेज के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है, हमारे जो टीचर्स और जो एसोसिएट लोग इन बच्चे के साथ काम करते हैं उनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता है, जो हमारी लर्निंग क्षमता को, कोई चीज़ अगर मैं ऐसे ही उसको बोल रहा हूँ कि बॉल बोलो, अगर डिफरेंट टाइप का बॉल, अलग अलग कलर बॉल अगर उसको दिखाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखेगा बनिस्पत की सिर्फ बोलने से। तो इसमें हम लोग लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल में जो होना चाहिए उसमें तो सबसे पहले है कि एक तो रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जब लैंग्वेज हम लोग सिखाते हैं तो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए। अगर सपोज दैट हमको उसको बच्चे को वोकैबुलरी सिखाना है, सपोज दैट उसको फैमिली का नाम सिखाना है, फैमिली के लोगों के बारे में सिखाना है, तो फर्स्ट उसको तो सिखाना है हमको कि उसको फैमिली के बारे में ओरिजिनल पापा को दिखाएं, मम्मी को दिखाएं, भाई को दिखाएं, बहन को दिखाएं, देन उसको अब सिर्फ उसकी उनकी पिक्चर को लेकर के फोटो स्नैप खींच करके फिर बच्चे उसको आइडेंटिफाई करना, यानी पिक्चर फोटो उस बच्चे का एक टूल्स हो गया जो लर्निंग मटेरियल हुआ। उसके बाद है कि उनको सपोज दैट अगर सिखाना है वोकैबुलरी और सो मेनी वोकैबुलरी जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल, तो उसको सबसे पहले ओरिजिनल होना चाहिए। अगर बहुत सारे जगह पे ओरिजिनल ख़राब हो जाता है तो उसको डमी आता है मार्केट में, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल डमी मिलते हैं जिसके थ्रू वो चीज़ें हम सिखा सकते हैं कि बच्चे उसको जल्दी लर्निंग कर सकते हैं। उसमें होता है बच्चे क्या टच करके, देखने के अलावा उसको फील कर सकते हैं, पकड़ कर फील कर सकते हैं कि अच्छा केला है बनाना है तो लंबा है, तो उसको टच के, जैसे कि सर ने बताया कि मल्टी सेंसरी अप्रोच होता है करने से बच्चा डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो फ्लैश कार्ड हो गया, ओरिजिनल चीज़ हो गया, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हुआ जो भी चीज़ हम लोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है उसके घर में बहुत सारे बच्चे उनके बड़े भाई या छोटे भाई आगे पढ़ रहे हैं फिफ्थ क्लास फाइव्थ क्लास में टू क्लास में, तो उनकी जो पिक्चर्स बुक्स होते हैं वो हम लोग कबाड़ी में फेंक देते हैं। तो कबाड़ी में फेंकने के अलावा हम लोग उसको घर में रखें और उसमें क्या है कि बहुत सारे पिक्चर्स को कटिंग करके बच्चे के द्वारा कटिंग करके उसको पेस्ट करा करके बच्चे को डेवलपमेंट बनाने का एक टीचिंग एड बना सकते हैं। स्क्रैप बुक हो गया, लैंग्वेज भर्ब बुक हो गया, उसमें सपोज दैट पेपर है अखबार में है, अखबार से कटिंग करके बच्चे को उसको लैंग्वेज भर्ब के लिए ये क्या कर रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा झूला झूल रहा है, तो इसमें क्या है बच्चा वोकैबुलरी से लेकर के लास्ट कम्प्लेक्स सेंटेंस तक यानी सिंटैक्स सिमेंटिक तक वो सारी चीज़ें सीख सकता है। अगर इन सारी टीचिंग एड को लर्निंग मटेरियल को अगर ठीक तरीके से बच्चे और पेरेंट्स यूज करें और कम कॉस्ट में हो सकता है, अगर इन चीज़ों को हम लोग अगर यूज करें मार्केट से खरीदने के अलावा जो घर में चीज़ों हैं जो उसको यूज करके, सपोज दैट गिलास है, गिलास का फ्लैश कार्ड जरूरत नहीं, गिलास में हम लोग पानी पीने का यूज करते हैं, गिलास से ही उसको बताना है। और एक चीज़ ऐसा है कि जो बच्चे जिनकी जो डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज है उनको रियल फोटो खींचकर, अगर बच्चा टॉयलेट जा रहा है तो उसको टॉयलेट करते हुए उसको फोटो दिखाना चाहिए, सो रहा है तो सोते हुए उसका फोटो खींचकर उसको बताना चाहिए, पापा से हेलो कर रहा है, तो ये सारे स्नैप खींच करके फिर बच्चे को लिमिनेट करके उसके थ्रू अगर सिखाएं, क्योंकि उस बच्चे का खुद का फोटो है, खुद एक्टिविटी करने से तब उसका जो है स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट वो फास्ट होता है डेवलपमेंट करने का। ये तो हुआ लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, अगर इन मटेरियल को यूज किया जाए लर्निंग मटेरियल और टीचिंग मटेरियल को पेरेंट्स और थेरेपिस्ट और टीचर, तो इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट और अच्छा से हो सकता है। और उसके बाद है कि स्पीच में सबसे पहले हम लोग देखेंगे
कि ये जरूरी है स्पीच के लिए कि हम लोग बोलते कैसे हैं, बोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे ब्रीदिंग का सबसे पहला ज़रूरी है कि फोनेशन ड्यूरेशन ब्रीदिंग, अगर यहाँ से लंग से मेरी हवा नहीं आ रही है तो अभी जो मैं बातें आप लोगों के बीच कर रहा हूँ तो सर इसका सबसे पहला सारा कुछ सिस्टम इन्वॉल्व है, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है सबसे पहले लंग्स का। तो लंग्स के लिए अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ वो ब्लोइंग एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं, मोर का पंख है, बबल्स है, आपका स्ट्रोक के थ्रू बांसुरी है, शंख है, सो मेनी, उसमें भी बैलून है, आप पिलो जो हम लोग ट्रेन पर रखते हैं ताकि आप अगर कोई बच्चा थोड़ा सा उसका ब्रीदिंग ठीक है लेकिन उसका ब्रीदिंग है होल्ड कैपेसिटी बहुत अच्छा नहीं है तो उसको पिल्लो हम लोग एक ड्यूरेशन में फुलाएंगे कि तुम आज 5 मिनट में इसको पूरा फुलाएगा, उसको फिर ड्यूरेशन को कम करेंगे। उसी प्रकार से हम एक ग्लास में पानी लिए, स्ट्रॉ को उसको हमने बहुत बड़ा कर दिए 2 फीट का और उसको उसको फूकने की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो बीच में मैंने अगर उसके स्ट्रॉ को बीच में बंद कर दिया तो उसका जो कैपेसिटी होगा पूरा ए लंग्स एयर होल कैपेसिटी इसका डेवलपमेंट हो सकता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इंटरनेशनली डेवलप हुआ है और इंडिया में भी मिलते हैं, जैसे है स्ट्रॉ में भी है सिंपल स्ट्रॉ, उसके बाद बैंडेड स्ट्रॉ, कनेक्टिंग स्ट्रॉ, सो मेनी टाइप ऑफ स्ट्रॉ। इससे क्या होता है बच्चे का, एक तो ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होगा, जो बच्चे स्लाइवा ड्रूलिंग कर रहे हैं उनका सकिंग पैटर्न ठीक होगा और ये जो मसल्स हैं जो हमारे जो मसल्स हैं स्पीच के लिए जो जरूरी है, टंग मसल्स, जॉ मसल्स, मैंडिबुल मसल्स, वोकल का जो मसल्स है, तो ये अगर सकिंग डेवलपमेंट अगर स्ट्रॉ के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रॉ कनेक्टिव स्ट्रॉ होता है कनेक्टिंग स्ट्रॉ, अगर उसके द्वारा अगर बच्चा सकिंग करता है तो वो चीज़ें उसका डेवलपमेंट जल्दी से होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे चल करके कि ब्रीदिंग के अलावा बच्चे चबाना चूसना निगलना नहीं करते हैं, उसके लिए च्यूइंग ट्यूब आता है, च्यूइंग ट्यूब को बच्चे को दे करके उसका जो है जो जॉ का मूवमेंट, सपोज दैट अगर बच्चा कोई जैसे कि मैं पहले बता चुका था कि अगर बच्चा कोई बच्चा च्यूइंग नहीं ठीक तरीके से कर सकता है तो बच्चा लॉन्ग वोवेल चीज़ों को उच्चारण नहीं कर सकता है, जैसे पापा बोलना पा पा, ये क्या है कि कॉन्सोनेंट के साथ लॉन्ग वोवेल एसोसिएट है जिसमें कि माउथ का ओपनिंग ज़्यादा है, लेकिन बच्चा अगर चबा ही नहीं रहा है फूड को तो पापा कभी नहीं बोल सकता है। तो इसके लिए है कि च्यूइंग ट्यूब को हम लोग इस्तेमाल करके उसकी च्यूइंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और जिससे कि उसका माउथ ओपनिंग और क्लोजिंग होता है और जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत सारे लोग च्यूइंग ट्यूब के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा च्यूइंग ट्यूब का रोल है। उसके बाद है कि हम लोग हनी है, स्पून है, टंग डिप्रेसर है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों को अगर यूज करके, लेकिन यूज करना भी सही सिस्टम से होना चाहिए, यानी बहुत सारे टीचिंग एड बहुत सारे पेरेंट्स थेरेपिस्ट रख लेते हैं और सामने रखते हैं थेरेपिस्ट पेरेंट्स को मंगा देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है वो पेरेंट्स को हम लोग को ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग देने के बाद फिर बच्चे को अगर सिस्टमेटिक यूज किया जाए तो बच्चा का स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इस टीचिंग एड के माध्यम से बहुत अच्छा हो सकता है। ये जो टीचिंग एड्स है जो बताया इन्होंने, ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो बच्चे के इन्वायरमेंट में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो दो चीज होगा, एक तो जैसे बांसुरी हमने लिया तो बांसुरी का शब्द भी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा बांसुरी सीखेगा, अब बच्चा खेलेगा भी बांसुरी से, एट द सेम टाइम उसकी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होगी। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को हम यूज करके मल्टीटास्किंग, सो आप बच्चे के एनवायरनमेंट से ये देखना है, गांव में रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, फिर यही एक्सरसाइज करने हैं लेकिन अलग अलग मटेरियल मिलते हैं तो वो जो इंटरेस्टिंग होगा, तो ये एक चीज देखना है। इसके अलावा जो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि डेप बच्चों में ओवरऑल स्पीच के बारे में बताया ना लैंग्वेज में, लेकिन ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल है सर, जिसको इसका नॉइज मेकिंग, हम अपने एनवायरनमेंट से ही बहुत सारे मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया आज के सेशन में
कि हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करके अपने डिलेड या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको असेसमेंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीच एंड लैंग्वेज के कंपोनेंट्स हैं या जो नॉर्मल माइलस्टोन्स हैं वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज वी नो दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्रेस टू रिसीव एनी आइडियाज़ फीलिंग्स और कन्वे आवर मैसेज. तो इसलिए ये सब बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स. दैट वॉज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन. दिस इज टाइम फॉर द क्लोजिंग ऑफ आवर सेशन. थैंक यू सो मच.